चलो साहब, अब एक ऐसा कॉन्सेप्ट आप सभी के सामने आ रहा है जिसका था आप सभी को बेसब्री से इंतजार और जिसका था मुझे भी बेसब्री से इंतजार, क्योंकि मैं उसे आपको पढ़ाना चाहता था। जल्द से जल्द सोच रहा था कब ये टॉपिक आएगा, कब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, बिकॉज दिस इज अ वेरी न्यू टॉपिक, अमेंडेड टॉपिक इन योर सिलेबस। जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम जीएसटी पढ़ रहे हैं उनको तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं दोस्त, उनके लिए तो ये नॉर्मल टॉपिक की तरह ही होगा, लेकिन जो पहले पढ़ चुके हैं उनके लिए ये अमेंडमेंट है, बड़ा अमेंडमेंट है, अच्छा अमेंडमेंट है, और क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी यहां से 100% बनती ही है। इसलिए ये वाला क्लिप हो सकता है आपको YouTube पर भी मिल जाए, बच्चों के लिए अमेंडमेंट्स इसे मैं वहां पर डाल सकता हूँ, और हो सकता है मैं अलग से लाइव अमेंडमेंट क्लास भी वहां पर ले लूँ। तो कहने का मतलब ये है कि साहब, ई इनवॉइस का कॉन्सेप्ट घूम फिर कर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, क्या बोला मैंने, ई इनवॉइस का कॉन्सेप्ट। जी हाँ दोस्तों, ई इनवॉइस के कॉन्सेप्ट की बात अब हम करके चलेंगे। किसकी बात? ई इनवॉइस के कॉन्सेप्ट की बात। सर ई इनवॉइस इसमें क्या प्रॉब्लम की बात है? ई इनवॉइस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस। बच्चे ने मुझे बोला कि ई इनवॉइस में क्या दिक्कत है सर, ई इनवॉइस का मतलब तो होता है इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस। इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस तो सर वो इनवॉइस होती है जो हम कंप्यूटर से बनाते हैं, यानी कि कंप्यूटराइज्ड, क्या बोलते हैं बोलो, कंप्यूटराइज्ड इनवॉइस। तो कंप्यूटराइज्ड इनवॉइस को ही क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस बोला जाता है। इसमें क्या नया है? ये तो हमको ऑलरेडी पता है। इसमें आप बोल रहे हो अमेंडमेंट है, नया टॉपिक है, पढ़ाना पड़ेगा। कंप्यूटराइज्ड इनवॉइस यानी कंप्यूटर से बनाया हुआ जो इनवॉइस होता है, कंप्यूटराइज्ड इनवॉइस जो होता है उसे बोला जाता है ई इनवॉइस, इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस, जिस पे साइन करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। पता है सर आपको? बच्चे ने बोला सर पता है आपको कि उस पे साइन करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, लिखा रहता है दिस इज अ कंप्यूटर जनरेटेड इनवॉइस, सिग्नेचर इज नॉट रिक्वायर्ड। ऐसे लिखा रहता है नीचे, नाम के नीचे लिखा रहता है दिस इज अ कंप्यूटर जनरेटेड इनवॉइस, सिग्नेचर इज नॉट रिक्वायर्ड। अब बताओ क्या नई बात है सर इसमें? आप कह रहे हो अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट है। तो मैंने कहा ठीक है साहब, आप अगर ऐसा समझते हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने कहा कि मैं थोड़ा सा एक चीज और इसमें ऐड कर दूं। मैंने कहा जी साहब, एक तो होता है इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस जो अभी के लिए आप समझ रहे हो, हालांकि मैं आपका भ्रम बहुत ही जल्द दूर कर दूंगा कि इनवॉइस का मतलब क्या है, लेकिन अभी आपने जो समझा ठीक है, कोई बात नहीं, आप समझते हो इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस जो कंप्यूटर से बनाते हैं वो ई इनवॉइस। मैंने कहा जी साहब, एक तो कंप्यूटर से बनता है और एक दूसरा होता है जिसे आप लोग बोलते हो मैनुअल, MANUAL, मैनुअल इनवॉइस। दूसरा होता है जिसे आप बोलते हो मैनुअल इनवॉइस, और मैनुअल इनवॉइस वो इनवॉइस होता है साहब, कौन सा इनवॉइस होता है? वो इनवॉइस होता है जो आप हैंड से बनाते हो, यानी कि हैंडमेड, हैंडमेड। ये कंप्यूटर से नहीं बनता, ये कंप्यूटराइज नहीं होता, हैंडमेड होता है। याद करो, बिल बुक दुकानदार प्रिंट करवा कर रखता है, आप उसके पास जाते हो, सामान खरीदते हो, वो हाथ से बेटा उसके अंदर डिटेल्स फिल करता है, नीचे कार्बन कॉपी भी लगी रहती है, फाड़ता है और आपको दे देता है। उसे भी तो हम क्या बोलते हैं? उसे भी तो हम इनवॉइस ही बोलते हैं। वो मैनुअल इनवॉइस होता है, उसमें कंप्यूटर नहीं लगता, वो पहले से प्रिंटेड फॉर्मेट होता है जिसके अंदर डिटेल्स फिल करनी होती है और फाड़कर आपको दे दिया जाता है। ठीक है, हाँ जी सर, बात तो सही कह रहे हो आप, मैनुअल इनवॉइस भी होता है, लेकिन अभी तो आप ई इनवॉइस की बात कर रहे हो ना, और आपने हमको बताया ई इनवॉइस का मतलब इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस जो कंप्यूटर से बनाते हैं। मैंने कहा जी साहब, मैंने नहीं बताया, आपने मुझे बताया था, बच्चों ने मुझे बताया सर इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस में कोई नई बात नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस तो वो इनवॉइस है जो कंप्यूटर से बनता है, तो इसमें हैंड रिटन इनवॉइस की कहां से बात आ गई, मैनुअल इनवॉइस की बात कहां से आ गई। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि अगर आप ये समझते हैं, अगर आप ये समझते हैं कि ई इनवॉइस का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस जो कंप्यूटर से बनाया जाता है, तो मैं आप सभी को बता दूं कि ये आपकी धारणा गलत है। जी हाँ दोस्तों, गलत है। आपका मैनुअल इनवॉइस चाहे हो, चाहे आपका इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस आपने कंप्यूटर से ही क्यों ना बनाया हो, उसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस यानी ई इनवॉइस नहीं होता। सर आप झूठ बोल रहे हैं सर, ऐसे थोड़ी ना होता है। इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस आपने तो बताया था कंप्यूटर बनाएंगे आईटी एक्ट के हिसाब से होना चाहिए लास्ट क्लास में, बिल्कुल सही मैंने बताया था, लेकिन बेटा उसे इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस बोलते हैं, लेकिन जीएसटी के अंदर जो स्पेसिफिकली ई इनवॉइस का कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट लेकर आई है उसका मतलब ये नहीं है। यानी जीएसटी के अंदर अगर ई इनवॉइस की बात होगी, मैं वापस दोहरा रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, अगर जीएसटी के अंदर ई इनवॉइस की बात होगी तो उसका मतलब कुछ और होगा, उसका मतलब कंप्यूटर से बनाया हुआ इनवॉइस नहीं है। आप चाहे कंप्यूटर से बनाओ, चाहे हाथ से बनाओ, जब तक आप मेरे शब्दों को बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब तक आप उस इनवॉइस की क्या नहीं कर देते सर, जब तक आप उस इनवॉइस की रिपोर्टिंग नहीं कर देते, और रिपोर्टिंग किसको करनी है सर? रिपोर्टिंग करनी है गवर्नमेंट को। जब तक आप उस इनवॉइस की रिपोर्टिंग नहीं कर देते गवर्नमेंट को, तब तक वो इनवॉइस आपका ई इनवॉइस नहीं बनेगा,
नो द पॉइंट इज ई इनवॉइस का एक्चुअल में मतलब क्या है. ई इनवॉइस का मतलब है साहब रिपोर्टिंग टू द गवर्नमेंट. बोलो मेरे साथ सभी जने, रिपोर्टिंग टू द गवर्नमेंट. चाहे आप मैनुअली बनाओ, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिकली कंप्यूटर से बनाओ, अपने टैली सॉफ्टवेयर से बनाओ, अपने बिजी सॉफ्टवेयर से बनाओ, अरे भैया किसी भी सॉफ्टवेयर से इनवॉइस बनाओ, आप अपने बिहाफ पर इनवॉइस बना रहे हो, अपने एंड पर इनवॉइस बना, अपनी दुकान में बैठकर इनवॉइस बना रहे हो. गवर्नमेंट को नहीं पता कि आपने इनवॉइस बनाया कि नहीं बनाया. जब आप अपने द्वारा बनाया हुआ इनवॉइस गवर्नमेंट को भेज दोगे, गवर्नमेंट को बता दोगे, उसी वक्त वो इनवॉइस बन जाएगा जीएसटी के अंदर. क्या बोलो? ई इनवॉइस. तो अगर जीएसटी के अंदर ई इनवॉइस बनाना है तो उसका मतलब ये नहीं कि कंप्यूटर से बनाना है, उसका मतलब ये नहीं कि हाथ से बनाना है. ई इनवॉइस का मतलब जीएसटी के अंदर है गवर्नमेंट को बताना है. मेरे साथ सभी जने बोलेंगे, गवर्नमेंट को बताना है. तो जैसे ही मैं अपना इनवॉइस, चाहे फिर वो मैंने किससे बनाया हो, अपने हाथ से बनाया हो या अपने कंप्यूटर यानी कि अपने सॉफ्टवेयर से बनाया हो, मुझे उसकी रिपोर्टिंग करनी है गवर्नमेंट को. और पता है क्या होगा जब आप रिपोर्टिंग करोगे दोस्त? जैसे ही आप गवर्नमेंट को रिपोर्टिंग करोगे ना, गवर्नमेंट आपको वापस आपका इनवॉइस ही लौटा देगी. सर क्या मतलब? मतलब ये कि आपने क्या करा, एक डायग्राम बनाकर समझने की कोशिश करते हैं. ये हो आप बिजनेसमैन, यानी कि BUSINESS बिजनेस मैन. ये है आप बिजनेसमैन और ये है गवर्नमेंट. ठीक है, ये है गवर्नमेंट. ओके, अब बिजनेसमैन कोई भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकती है, LLB भी हो सकती है, पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है, प्रोप्रेटरशिप भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है. मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि बिजनेसमैन जो भी इनवॉइस बनाएगा गवर्नमेंट को बताएगा. बिजनेसमैन जो भी इनवॉइस बनाएगा गवर्नमेंट को बताएगा. अपना टैक्स इनवॉइस जो इतने टाइम से हम पढ़ रहे हैं, पिछली क्लास पूरी लगाई हमने टैक्स इनवॉइस को पढ़ने के लिए. साहब वहां मैंने क्या सिखाया था? टैक्स इनवॉइस कौन बनाता है? बिजनेसमैन बनाता है. कब बनाता है? उस टाइम लिमिट में बनाता है जो सेक्शन 31 में बता रखी है. 31(1), 31(2) कोई दिक्कत नहीं सर, बिल्कुल सही बात है. लेकिन आपने बनाकर अपने पास रख रखी है, गवर्नमेंट को नहीं पता उसके बारे में. अब आप चाहे कंप्यूटर से बनाओ, चाहे सॉफ्टवेयर से बनाओ, किसी भी तरीके से अपना टैक्स इनवॉइस बनाओ, गवर्नमेंट कहती है सब हमें मतलब नहीं है जब तक आप हमें उसके बारे में नहीं बताते. आपने जैसे ही अपने इनवॉइस के बारे में गवर्नमेंट को बताया, गवर्नमेंट क्या करेगी पता है? गवर्नमेंट उसमें से थोड़ा सा डेटा निकालकर अपने पास रख लेगी. आपने जो इनवॉइस बताया ना गवर्नमेंट को, उसमें से थोड़ा सा डेटा निकालकर अपने पास रख लेगी और बाकी का दो एडिशनल चीजें. कितनी चीजें? टू एडिशनल आइटम्स उस इनवॉइस के अंदर चिपकाएगी और वही आपका इनवॉइस आपको वापस लौटा देगी. वही इनवॉइस आपको दे देगी. कितनी एक्स्ट्रा चीजें नहीं डालकर? दो एक्स्ट्रा चीजें नहीं डालकर. आपने इनवॉइस दिया, आपका इनवॉइस आपको वापस दे दिया. कितनी चीजें एक्स्ट्रा डालकर? दो चीजें एक्स्ट्रा डालकर. और आपके इनवॉइस की कुछ डिटेल गवर्नमेंट ने अपने पास में रख ली. बट ये बिल्कुल इसी तरह से है जिस तरह से आप मंदिर में प्रसाद चढ़ाते हो भगवान को, माता मैया को, या फिर गणेश जी महाराज को, जिसको भी आप प्रसाद चढ़ाते हो मंदिर में जाकर. ये है भैया आपका प्रसाद. बोलो क्या है? प्रसाद. और ये क्या है? ये है आपका मंदिर, भगवान का मंदिर. अभी करना क्या है साहब? करना कुछ भी नहीं है, करना बिल्कुल सिंपल सा काम है, प्रसाद को मंदिर में चढ़ाना है. तो बताइए जब आप प्रसाद मंदिर में चढ़ाते हैं तो आप क्या करते हैं? पुजारी जी को अपना पैकेट या अपना पाउच, जिसमें भी आप प्रसाद लेकर जाते हैं, डब्बा, वो डब्बा आप पंडित जी को दे देते हैं. जो पंडित जी वहां बैठे रहते हैं मूर्ति के सामने, वो पंडित जी क्या करते हैं? वो पंडित जी उसमें से थोड़ा सा प्रसाद अपने पास रख लेते हैं, थोड़ा सा प्रसाद आप में से अपने पास रख लेते हैं, और जो मंदिर का प्रसाद होता है उसमें से थोड़ा सा प्रसाद आपके प्रसाद में वापस मिलाकर, आपके डब्बे में मिलाकर आपको आपका ही डब्बा वापस लौटा देते हैं. सेम टू सेम सिचुएशन यहां क्रिएट हो रही है. भैया गवर्नमेंट क्या कर रही है? दो एडिशनल चीजें अपनी तरफ से आपके इनवॉइस में डाल रही है और आपका इनवॉइस आपको ही वापस दे रही है. पंडित जी भी तो यही करते हैं, आपका प्रसाद थोड़ा सा निकालते हैं और जो मंदिर का ऑलरेडी प्रसाद होता है, जो बबूत वगैरह होती है, वो उसमें से वापस लेकर आपके प्रसाद में मिक्स कर आपको ही वापस दे दिया जाता है. आपका इनवॉइस आपको दे रहे हैं, दो एडिशनल चीजें डालकर आपका इनवॉइस आपको दे रहे हैं. बोलो ये प्रोसेस पहले समझो कि समझ में आया कि नहीं आया. बेटा ये जो वापस इनवॉइस आ रहा होता है, गवर्नमेंट जो इनवॉइस वापस दे रही होती है, वही कहलाता है ई इनवॉइस, वही कहलाता है आपका ई इनवॉइस. तो अब आपको समझ में आया कि जीएसटी में ई इनवॉइस का मतलब ये नहीं कि कंप्यूटर से बनाने वाला इनवॉइस जीएसटी के अंदर. अब आपसे रास्ते में जाते हुए कोई आपसे रोक कर पूछ लेता है, भैया तू सीए कर रहा है, सीए का स्टूडेंट है, बता यार ये जीएसटी में ई इनवॉइस क्या होता है? तो आप उसको पूरा समझाओगे कि देख जो भी इनवॉइस तूने बनाया है ना, गवर्नमेंट को रिपोर्टिंग करनी है हमें,
जैसे ही हम गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेंगे, गवर्नमेंट हमें आगे से एक नया इनवॉइस बना के हमारे ही इनवॉइस को वापस हमें देगा, लेकिन नए फॉर्मेट में। उसमें दो चीजें एक्स्ट्रा होंगी, वही इनवॉइस जो हम डाउनलोड करेंगे वही बनेगा हमारा क्या, ई इनवॉइस। तो अब आपको ये तो समझ में आ गया साहब कि ई इनवॉइस का मतलब ये नहीं है कि कंप्यूटर से बना दिया तो ई इनवॉइस बन गया। नहीं साहब, कंप्यूटर से बनाओ चाहे हाथ से बनाओ, गवर्नमेंट को रिपोर्टिंग करनी जरूरी है। अब मुद्दा उठता है सब, सबसे पहला ये कि गवर्नमेंट को बताएंगे कैसे। आखिर ये जो रिपोर्टिंग बार बार आप बोल रहे हो कि भैया जी गवर्नमेंट को रिपोर्टिंग करनी है, गवर्नमेंट को रिपोर्टिंग करनी है, द क्वेश्चन इज ये रिपोर्टिंग कैसे होगी सर? क्या डाक भेजनी पड़ेगी? क्या हमें डाक भेजनी है, स्पीड पोस्ट कराना है, कूरियर करवाना है, इतनी सारी इनवॉइसेस को रख रख कर गवर्नमेंट को दिल्ली भेजना है, मुंबई भेजना है, कहां भेजना है? साहब ये जो प्रोसेस होगा ये आपका ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन होगा। गवर्नमेंट ने एक नहीं भैया 10 पोर्टल बना दिए, एक नहीं कितने पोर्टल बना दिए, 10 पोर्टल्स, 10 वेबसाइट गवर्नमेंट ने बना दी है आप लोगों के लिए। ई इनवॉइस 1, ई इनवॉइस 1 डॉट, ई इनवॉइस 1 डॉट जीएसटी डॉट जीओवी डॉट इन, कितनी, एक नहीं ऐसी 10। तो बार बार हमें क्या करना है, 1 की जगह 2 की जगह 3 की जगह 4 की जगह 10, ऐसी 10 वेबसाइट बना दी है और सबके आगे हमें हमारा कॉमन पोर्टल का एड्रेस लगा देना है, gst.gov.in। तो इसमें होता क्या बेटा, अगर आपको कंप्यूटर का नॉलेज है, कंप्यूटर की भाषा, इंटरनेट की भाषा आप समझते हैं, तो आप समझ गए होंगे कि ये गवर्नमेंट ने क्या करा। मेन, इसको बोलते हैं मेन डोमेन, जो हमारा gst.gov.in है ये है हमारा मेन डोमेन। क्या बोलते हैं इसको, डोमेन बोलते हैं। तो ये जो है ये तो है हमारा मेन डोमेन, मेन डोमेन। और ये जो आगे इन्होंने बना दिया ना, ई इनवॉइस 1 डॉट, ई इनवॉइस 2 डॉट, ई इनवॉइस 3 डॉट, ये कहलाता है सब डोमेन। क्या कहलाता है, सब डोमेन। हालांकि अभी हम कंप्यूटर नहीं पढ़ रहे, फिर भी एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल नॉलेज के तौर पर मैंने आपको समझा दिया कि जो यूआरएल होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूआरएल, जो आप यूआरएल कंप्यूटर में डालते हैं, google.com, gmail.com, facebook.com, twitter.com, ये सब क्या है, एक तरीके का यूआरएल। तो यूआरएल में मेन डोमेन होता है, सब डोमेन होता है। तो यहां पर इन्होंने ऐसे 10 सब डोमेन्स बना दिए, ऐसे कितने, ऐसे 10 सब डोमेन्स बना दिए, ताकि अगर एक सब डोमेन पे लोड आ जाए तो दूसरे से काम हो जाएगा, दूसरे पे आ जाए तो तीसरे से हो जाएगा, ऐसे टोटल 10 सब डोमेन्स आपको बना के दे दिए। करना क्या है, अपना इनवॉइस अपलोड करना है इन्हीं पोर्टल के ऊपर, गवर्नमेंट को भेजना है। तो भेजने के लिए क्या है साहब, वेबसाइट, हम इनवॉइस बनाएंगे और उस वेबसाइट पे जाके अपलोड कर देंगे तो गवर्नमेंट को वो वहां पर रिसीव हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं सर। दूसरा सवाल, सर प्रोसेस समझेंगे अभी, अब बेफिक्र रहो, कैसे अपलोड होगा, कैसे बनेगा, क्या होगा, मैं सब बताऊंगा, लेकिन अभी मुझे ये बताओ कि साहब क्या ये काम सभी को करना है? क्या जो नुक्कड़ के किनारे पर छोटी सी किराने की दुकान लेकर बैठा है, नुक्कड़, नुक्कड़ के कोने पर एक छोटी सी किराने की दुकान लेकर बैठा है, सिर्फ और सिर्फ 25 लाख से 30 लाख के बीच में उसका टर्नओवर फ्लक्चुएट करता है, क्योंकि 20 लाख से ऊपर चला गया, रजिस्ट्रेशन जीएसटी में उसने ले रखा है, वो रजिस्टर्ड पर्सन कहलाता है, क्या उसे भी अपना जो वो किराने का सामान छोटा मोटा बेचता है, दिन भर के एंड में वो एक इनवॉइस दो इनवॉइस बनाता है, क्या उसे वो इनवॉइसेस भी रिपोर्ट करने हैं, पूछता है पूरा भारत? क्या उसे वो इनवॉइसेस भी गवर्नमेंट को रिपोर्ट करने हैं? क्या ई इनवॉइस उसे भी जनरेट करना है? तो साहब ये समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा हमारी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट को, स्टैट्यूटरी प्रोविजन को, STATUTORY, स्टैट्यूटरी प्रोविजन। मोदी जी कह दें या निर्मला सीतारमण, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, चाहे मोदी जी हो चाहे फाइनेंस मिनिस्टर हो, अगर वो हमें कहते हैं कि ई इनवॉइस बनाओ, हमें रिपोर्टिंग करो, जो भी इनवॉइस तुम बना रहे हो हमें बताओ, भैया जी कोई बात नहीं मानेगा, मोदी जी की बात कोई नहीं मानेगा, लेकिन जैसे ही बात कानून में लिख दी जाती है, अरे दंगे हो जाते हैं, दंगे। मोदी जी बोल रहे हैं वैक्सीन लगवा लो, कोई नहीं लगवाएगा, लेकिन जैसे ही वो बात कानून में लिख दी जाएगी ना कि साहब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में नहीं जाने देंगे जब तक आपके पास में वैक्सीन सर्टिफिकेट ना हो, तो वहां पर फिर सब लगवाने चालू कर देंगे। तो बात वही कानून में बनते ही तो साहब धरना देने पहुंच जाते हैं लोग, मुंह से चाहे जितना बोलो, वहां लोगों को दिक्कत नहीं होती। तो कानून में लिखना जरूरी था, क्योंकि कानून में लिखने के बाद अगर नहीं माना तो पेनल्टी लगेगी, आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। तो साहब क्या ई इनवॉइस से रिलेटेड ये जो रिपोर्टिंग की बात आप कर रहे हो, पहले तो साहब इतनी सी बात थी कि बस हमें इनवॉइस बना देना है, टैक्स इनवॉइस बनाना है, बिल काटना है, बिल काटना है, लेकिन अब ये जो बिल काटना है इसे गवर्नमेंट को भी बताना है। क्या ये बात कानून में लिखी,
बिल्कुल साहब, ये बात कानून में लिखी और आप सभी को बताना चाहूंगा, जो प्रोविजन लेकर आए साहब वो है रूल 48। रूल 48 जो आपको मैनर बताया करता था, याद करो जब हमने लास्ट क्लास में मैनर ऑफ इनवॉइसिंग, जहां पर हमने ओरिजिनल डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट गुड्स के केस में तीन बनाने हैं, सर्विसेज केस में सिर्फ और सिर्फ दो बनाना है, ओरिजिनल और डुप्लीकेट, हमने पढ़ा था रूल 48 में। इसी के अंदर बेटा एक नया सब रूल इंसर्ट कराया गया, सब रूल नंबर 4। रूल नंबर 48, सब रूल नंबर 4। ये नया जो सब रूल आया, सब रूल नंबर 4, इस नए सब रूल से ये ई इनवॉइस का प्रोविजन लेकर आए। और देखो सब रूल 4 ने क्या बोला, हम सब रूल 4 की भाषा को तोड़कर समझने की कोशिश करते हैं। We are going to break the provision into different parts और फिर एक एक पार्ट को हम अच्छे से समझेंगे। जो पहली लाइन बोली वो बोली कि notified, क्या बोला, notified class of registered persons, क्या बोला, notified class of registered persons, जिसे हम प्यार से बोलते हैं corp, क्या बोलते हैं corp, corp, class of registered persons की बात कर रहा हूं, class of रजिस्टर्ड पर्संस को प्यार से शॉर्ट में क्या बोलते हैं, कॉर्प, सीओआरपी, कॉर्प। तो नोटिफाइड कॉर्प क्या करेगा साहब, इनवॉइस बनाएगा। नोटिफाइड कॉर्प क्या करेगा, इनवॉइस बनाएगा INV01 के अंदर। ओहो अब ये नई बात क्या आ गई सर, बिल्कुल टेंशन मत लो, जो भी लिख रहा हूं ना एक एक चीज बहुत डिटेल में समझाऊंगा। अभी सिर्फ जो स्टेच्यूटरी प्रोविजन है, जो कानून में लिखा है, हम पहले वो देख लेते हैं कि लिखा क्या है। तो सबसे पहली लाइन क्या लिखी उन्होंने कि नोटिफाइड क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्संस, इनवॉइस बनाएंगे किसके हिसाब से बनाएंगे, INV01 के हिसाब से बनाएंगे, उसे अपलोड करेंगे, बनाने के बाद उसे अपलोड करेंगे। सर अपलोड कहां करेंगे, अपलोड करेंगे IRP पर, अपलोड कहां करना है IRP पर, और लास्ट फाइनल नंबर पे जनरेट करेंगे GENERATE, क्या करेंगे, जनरेट करेंगे IRN, जनरेट करेंगे IRN। क्या बोला मैंने, मैंने बोला कि नोटिफाइड क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्संस, कानून में क्या लिखा है कि नोटिफाइड क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्संस यानी कि कॉर्प, और वो भी कौन सा, नोटिफाइड, इनवॉइस बनाएगा किसके हिसाब से, INV01 के हिसाब से, अपलोड करेगा IRP के ऊपर और जनरेट करेगा IRN। सर ये क्या लिख दिया आपने IRP IRN, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, सब समझेंगे लेकिन सबसे पहले ये बताओ कि पहला शब्द क्या है, पहली लाइन क्या है। सर नोटिफाइड कॉर्प यानी कि क्या सभी को ई इनवॉइस करना है, क्या सभी को ई इनवॉइस बनाना है, जवाब है नो। वो जो नुक्कड़ पे किराने की दुकान लेकर बैठा है उसे नहीं बनाना साहब, नहीं बनाना, सिर्फ किसे बनाना है, जिसे नोटिफाई गवर्नमेंट करके चलेगी, जिसे गवर्नमेंट क्या करेगी दोस्त, जिसे गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। तो क्या सर गवर्नमेंट ने किसी को नोटिफाई करा क्या, हाँ जी साहब गवर्नमेंट ने नोटिफाई करा, और आज की तारीख में एट प्रेजेंट अगर बात करूं तो कोई भी ऐसा इंसान जिसका किसी भी एनी प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, क्या बोला, एनी प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अगर उसका एग्रीगेट टर्नओवर, बोलो कौन सा टर्नओवर, उसका एग्रीगेट टर्नओवर अगर किससे ज्यादा है, एक्सीड कर रहा है, बोलो किससे ज्यादा है, 50 करोड़ से ज्यादा है, तो भैया जी उसके ऊपर ई इनवॉइस की रिक्वायरमेंट्स, उसके ऊपर ई इनवॉइस की रिक्वायरमेंट्स एप्लीकेबल हो जाती है। बिल्कुल सिंपल सी बात बोली मैंने, इंपॉर्टेंट यह है साहब, एनी मतलब कि किसी भी, मतलब अगर एक बार अगर 50 करोड़ से ऊपर निकल गए ना मुन्ना, तो फिर आपके ऊपर ई इनवॉइस का ऑब्लिगेशन आ जाएगा, फिर आप बच नहीं सकते। फिर अगले साल अगर 50 करोड़ से कम हो गया तो भी ई इनवॉइस तो बनाना ही पड़ेगा। यानी कि अगर मैं इस तरह से कहूं, एक अगर अपन एग्जाम्पल लें और समझने की कोशिश करें कि देखो ये लाइन मैंने खींची है, हाँ जी सर ये लाइन आपने खींची है, अब मैं कहता हूं कि ये शुरुआत यहां से हो रही है और ये शुरुआत यहां से हो रही है, येलो कलर की दिख रही है ना आपको लाइन, हाँ जी सर येलो कलर की लाइन दिख तो रही है, अगर नहीं दिख रही है तो मैं एक ब्लैक कलर की लाइन और इसी के अंदर ड्रॉ कर देता हूं, अब ठीक है, हाँ जी सर अब तो ठीक है। तो देखो अब इधर सुनो मेरी बात को, ये मैंने एक बनाया, मैंने कहा जी साहब GST कब से आया, सर GST आया 17-18, मैंने कहा 17-18, 18-19 और 19-20 और 20-21 और 20-21 और ये हो जाएगा आपका 21-22, ठीक है। अभी क्या चल रहा है साहब, अभी चल रहा है 21-22, एट प्रेजेंट क्या चल रहा है, एट प्रेजेंट चल रहा है 21-22, कोई दिक्कत नहीं सर। समझने की कोशिश करना कि अगर पिछले किसी भी साल में, मैंने क्या बोला एनी, एनी मतलब एनी, तो अगर 17-18 में 50 करोड़ से ऊपर चले गए
पहले ही साल में जब जीएसटी आया था तो सब आपको यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी और यहां पर भी, और अब हमेशा के लिए आपको ई इनवॉइस की रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करना पड़ेगा जब तक कि आप अपना बिजनेस बंद नहीं कर देते। फिर भले ही आप 19-20 में 50 करोड़ के नीचे चले गए हो, भले ही आप 20-21 में 50 करोड़ के नीचे चले गए हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपने तो ई इनवॉइस के रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई करना ही पड़ेगा, पालन करना ही पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं सर, बात समझ में आ जाती है। तो सबसे पहले मैंने आपको सिखाया कि नोटिफाई किसे करा। कोई भी इंसान जिसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में जीएसटी आने के बाद से, यानी 17-18 के बाद से, किसी भी साल में अगर टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर, ध्यान रखना अगर फिक्स 50 करोड़ है तो भी आप बच जाओगे। यानी गवर्नमेंट ने जो वर्ड यूज करा है वो यूज करा है एक्सीड्स। एक्सीड्स मतलब कि ज्यादा, फिक्स पर भी आपको छूट मिल रही है, ज्यादा होना जरूरी है। 51 करोड़ हो गया या 50 करोड़ से एक रुपया भी अगर ऊपर निकल गया तो वहां पर आपके ऊपर एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी। बोलो यहां तक कोई समस्या नहीं सर? आपने पहले सवाल का जवाब तो दे दिया कि छोटे लोगों को यहां पर कोई झंझट नहीं है, वो तो अपना जैसे इनवॉइस बना रहे हैं, कंप्यूटर से बना रहे हो चाहे हाथ से बना रहे हो, उन्हें तो नॉर्मली ही बनाना है, गवर्नमेंट को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो लोग बड़े लोग हैं, 50 करोड़ से ऊपर का एग्रीगेट टर्नओवर करते हैं, उन्हें फिर गवर्नमेंट को रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। पहली लाइन तो समझ में आ गई सर, नोटिफाइड क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन का मुद्दा तो आपने यहां पर सुलझा दिया। अब दूसरा है कि साहब इनवॉइस बनाएंगे INV 01 के हिसाब से। किसके हिसाब से? INV 01 के हिसाब से। तो बात को सुनिएगा और ध्यान से सुनिएगा कि INV 01 क्या होता है। मैंने बोला INV 01 के हिसाब से इनवॉइस बनाना है। बेटा लॉजिक लगाओ कि 50 करोड़ से ऊपर कितनी सारी कंपनीज ऐसी होंगी, मैं तो कहता हूं जितनी भी लिस्टेड कंपनी है वो तो सारी की सारी आई गई, और लिस्टेड कोई एक दो कंपनियां तो है नहीं, बहुत सारी कंपनियां हैं। लिस्टेड का मतलब NSE और BSE के ऊपर, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जितनी भी लिस्टेड कंपनीज है, चाहे वो श्री सीमेंट हो, इंफोसिस हो, ACC, ABB, विप्रो, टाटा स्टील, और भी बहुत सारी कंपनी है, वीडियोकॉन, और बहुत सारी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज भी हैं, म्यूचुअल फंड्स भी हैं, ये जितने भी हैं ये सब 50 करोड़ से ऊपर है यार। 50 करोड़ तो बहुत छोटा सा अमाउंट है इनके लिए, इन लोगों के लिए, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए, TCS इनके लिए क्या अड़ता है 50 करोड़ का? अड़ता है क्या? नहीं साहब, 4000 करोड़ का तो कॉन्ट्रैक्ट करते ही है। इनकम टैक्स पोर्टल बनाने के इन्होंने 4500 करोड़ ले लिए, सोचो आप 4500 के फिर आगे करोड़ लगा रहा हूं मैं, तो 50 करोड़ तो कहीं इनके एग्रीगेट टर्नओवर अड़ता ही नहीं है। तो सोचो कि क्या एक कंपनी है कि बहुत सारी? सर बहुत सारी कंपनियां इंडिया में, ना जाने असंख्य कंपनियां ऐसी होंगी, गिन नहीं पाओगे, इतनी सारी कंपनियां ऐसी होंगी जो 50 करोड़ से ऊपर होंगी। तो मुझे बताओ कि क्या वो सभी कंपनियां जो इनवॉइस बनाती होंगी आज तक, ये प्रोविजन आने के पहले तक, ये कंपनियां जो इनवॉइस बनाती होंगी, क्या वो इनवॉइस सबकी सब एक ही सॉफ्टवेयर से बनाती होंगी? उन सबका फॉर्मेट क्या एक ही होता होगा? क्या वो सभी एक ही डिटेल वहां पर दिखाती होंगी? द आंसर इज नो। सबका अपना अलग सॉफ्टवेयर होगा, सबका अपना अलग फॉर्मेट होगा, अलग स्टैंडर्ड होगा इनवॉइस बनाने को लेकर आज से पहले तक। तो ये लोग अगर इनको डायरेक्ट ऐसे बोल दें कि भाई जो इनवॉइस बना रहे हो वही रिपोर्ट कर दो, जो इनवॉइस बना रहे हो वही रिपोर्ट कर दो, तो प्रॉब्लम क्या आ जाएगी? गवर्नमेंट पागल हो जाएगी साहब, प्रॉब्लम ये आ जाएगी, गवर्नमेंट पागल हो जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट के पास इतनी सारी इनवॉइसेस पहुंचेंगी अलग 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 फॉर्मेट की, उस पोर्टल के ऊपर जो वेबसाइट गवर्नमेंट ने बनाई है ना, उस पोर्टल के ऊपर इतनी सारी इनवॉइसेस पहुंचेगी मेरे मालिक, और सब अलग फॉर्मेट में पूछेगी कि वो पोर्टल जो सॉफ्टवेयर गवर्नमेंट ने बनाया है, जो ई इनवॉइस का सॉफ्टवेयर, जो पोर्टल में बोल रहा हूं, जो 10 पोर्टल बनाए मैंने, बताया ना आपको GST.gov.in के ऊपर e-invoice 1, e-invoice 2 करके इतने सारे पोर्टल बनाए, वेबसाइट बनाए, जो आपको e-invoice जनरेट करके वापस देंगे, दो एडिशनल आइटम लगाकर आप अपना इनवॉइस उस पोर्टल पर डालोगे, वो पोर्टल आपको वापस आपका इनवॉइस दे देगा दो एडिशनल आइटम लगाकर। बेटा वो पोर्टल पागल हो जाएगा, वो कहेगा साहब मुझे फॉर्मेट ही समझ में नहीं आ रहा, कोई टेली का इनवॉइस दे रहा है, कोई बिजी का इनवॉइस दे रहा है, कोई SAP का इनवॉइस दे रहा है, कोई ERP का इनवॉइस दे रहा है, भैया जी सबके फॉर्मेट अलग अलग है, किसी में डेट कहीं पर आ रही है, किसी में डेट कहीं पर आ रही है, कोई कॉलम किसी का कोई दूसरा कॉलम है, कोई कॉलम किसी का कोई दूसरा कॉलम है, सबकी डिटेल्स अलग अलग है, बायफर्केटेड है, कोई सॉफ्टवेयर दूसरा है, कोई सॉफ्टवेयर दूसरा है, हम क्या करें, हम तो पागल हो गए। तो गवर्नमेंट ने कहा भैया हमारा पोर्टल ऐसे काम नहीं कर पाएगा, हम इतने सारे लोगों के लिए अलग अलग पोर्टल नहीं बना सकते, हर कंपनी का अपना सिस्टम होता है इनवॉइस बनाने का, सब कंपनी का अपना बिल बनाने का अलग तरीका है, तो हम क्या करें? तो गवर्नमेंट ने बोला कि साहब आप बड़े लोग हो, अब आप एक काम करो, हम फॉर्मेट बता रहे हैं। और गवर्नमेंट ने जो फॉर्मेट बताया बेटा, जिसको हम प्यार से बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर स्कीमा, क्या बोला मैंने? स्कीमा। सर स्कीमा की स्पेलिंग क्या होती है? SCHEMA, इसको बोला जाता है बेटा ई इनवॉइस स्कीमा।
क्या बोलते हैं हम जीएसटी के अंदर, ई इनवॉइस स्कीमा, मतलब कि फॉर्मेट। स्कीमा का मतलब होता है एक तरीके का स्टैंडर्ड फॉर्मेट। गवर्नमेंट ने फॉर्मेट बता दिया कि इस फॉर्मेट के अंदर अब आप लोगों को अपना इनवॉइस बनाकर चलना है। और आप ऑलरेडी जानते हो कि 50 करोड़ से ऊपर बड़े लोग होंगे, हाथ से तो बनाते नहीं होंगे, कोई बिल बुक तो प्रिंट करा नहीं रखी होगी, कंप्यूटर से ही बनाते होंगे, और कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर से ही बनाते होंगे। तो लॉजिक लगाओ कि जितनी भी सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं जो ई इनवॉइस बनाने की फैसिलिटी देंगी, जितनी भी सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, भाई कंपनी तो ये है ना, बट आप समझो ये कंपनी है और ये सॉफ्टवेयर कंपनी है, ठीक है। तो ये जो हमारी कंपनी है जिसको ई इनवॉइस की रिक्वायरमेंट के साथ में कंप्लाई करना है, ये क्या करती है, ये बहुत सारी अलग 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 कंपनीज है, उसी तरीके से अलग 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 सॉफ्टवेयर कंपनीज भी है। तो हमने तो सॉफ्टवेयर कंपनी से क्या खरीद रखा है, इन सारी कंपनीज ने तो सॉफ्टवेयर कंपनी से सॉफ्टवेयर खरीद रखा है, और उस सॉफ्टवेयर से कंपनीज क्या करती है, आगे इनवॉइस बनाती है। नो द पॉइंट इज कि अगर हम INV01 यानी गवर्नमेंट का बताया हुआ फॉर्मेट, गवर्नमेंट का बताया हुआ फॉर्मेट, गवर्नमेंट का बताया हुआ स्कीमा अगर सॉफ्टवेयर कंपनी अपने सॉफ्टवेयर में ही डाल दे, अगर सॉफ्टवेयर कंपनी अपने सॉफ्टवेयर में ही डाल दे तो दिक्कत ही खत्म हो जाएगी। क्योंकि फिर ये जो कंपनी है जिसको ई इनवॉइस की रिक्वायरमेंट के साथ में कंप्लाई करना है, उसके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो पहले सॉफ्टवेयर चलाते थे, अब वही सॉफ्टवेयर जो इनवॉइस बनाएगा वो कौन सी बनाएगा, गवर्नमेंट वाले फॉर्मेट के हिसाब से ही ई इनवॉइस बनकर तैयार होगा, तो दिक्कत ही खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब जो पहले सॉफ्टवेयर था वही सॉफ्टवेयर हमारी वही इनवॉइस बना रहा है। कंपनी को तो कुछ करना ही नहीं ना, कंपनी को तो झंझट लेनी नहीं है, कंपनी को INV01 से कोई लेना देना नहीं है। फिर बोल रहा हूं, चाहे वो इंफोसिस कंपनी हो, चाहे वो TCS हो, श्री सीमेंट हो, आपकी वंडर सीमेंट हो, ACC सीमेंट हो, अरे मैं कह रहा हूं साहब कोई सी विप्रो हो, जो भी कंपनी की बात आप कर रहे हो, बड़ी कंपनी जिसका भी नाम असेंचर, और भी अगर कोई दूसरी कंपनी है तो वो जो इंडिया में काम कर रही है, इंडिया के अंदर उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, 50 करोड़ से ऊपर का उनका टर्नओवर है, वो सॉफ्टवेयर से बनाते हैं। अगर मैं सॉफ्टवेयर में ही चेंज कर दूं तो सारी कंपनीज का सॉफ्टवेयर एक ही हो जाएगा ना फिर तो, क्योंकि जो भी सॉफ्टवेयर कंपनी का आपने सॉफ्टवेयर ले रखा है उस कंपनी ने उसके अंदर INV01 डाल दिया। भाई ये सॉफ्टवेयर कंपनी है, एक नहीं है, बहुत सारी है, लेकिन सारी की सारी जितनी भी सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं सबने अपना फॉर्मेट, अपने सॉफ्टवेयर का फॉर्मेट किसके हिसाब से कर दिया, गवर्नमेंट के हिसाब से कर दिया। तो अब यहां पर जितनी भी कंपनियां सॉफ्टवेयर कंपनी से सॉफ्टवेयर खरीदेगी, सबके पास कौन सा वाला फॉर्मेट जाएगा, INV01 वाला ही फॉर्मेट जाएगा। तो अब जो इनवॉइस पहले हर कंपनी का अलग अलग बनता था, अब सारी कंपनियों का ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर के हिसाब से एक ही इनवॉइस बनेगा, क्योंकि सारी कंपनियों ने अपने सॉफ्टवेयर में क्या डाल दिया, गवर्नमेंट वाला फॉर्मेट डाल दिया। तो अब जितनी भी कंपनियां अपने उसी सॉफ्टवेयर से जैसे पहले बनाया करती थी, वापस जब बनाएंगी तो गवर्नमेंट फॉर्मेट के हिसाब से ही बनकर तैयार होगा, वो गवर्नमेंट फॉर्मेट के हिसाब से ही बनकर तैयार होगा। और फिर और मजे की बात, उन्होंने और काम आसान कर दिया, ये सॉफ्टवेयर कंपनी ने और काम आसान कर दिया, इन्होंने अपने सॉफ्टवेयर को, वो जो पोर्टल है ना, पोर्टल, जो पोर्टल मैंने आपको बताया invoice1.gst.gov.in, इस पोर्टल के साथ में क्या कर दिया पता है, इंटीग्रेट, इंटीग्रेट मतलब कि जोड़ दिया, क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया अपने सॉफ्टवेयर को, क्या कर दिया बोलो, इंटीग्रेट कर दिया, जोड़ दिया। तो अब और भी आसान काम हो गया सर। कैसे? अब आपको अपना इनवॉइस बनाना है और बनाकर सिर्फ एक क्लिक करना है, सिर्फ एक क्या करना है, क्लिक, बस क्लिक करते ही अपने आप वो सॉफ्टवेयर उस इनवॉइस को पोर्टल पर अपलोड भी कर देगा, और वापस जो गवर्नमेंट का पोर्टल आपको वो दो चीजें एडिशनल लगाकर जो नया इनवॉइस देगा उसे डाउनलोड कर आपको डिस्प्ले भी कर देगा। यानी अब आपको बार बार पोर्टल खोलने की भी जरूरत नहीं है, बार बार गवर्नमेंट का पोर्टल खोलकर वहां पर अपलोड करो फिर डाउनलोड करो, कोई झंझट करने की जरूरत नहीं है, वो सॉफ्टवेयर ही सारा काम कर देगा। तो सॉफ्टवेयर ने गवर्नमेंट का फॉर्मेट भी फॉलो कर लिया, जो सॉफ्टवेयर बनाया था कंपनियों ने, उन कंपनियों ने क्या करा, गवर्नमेंट का जो फॉर्मेट था, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मेट होना जरूरी था दोस्त, गवर्नमेंट कह रही थी कि पूरे इंडिया का फॉर्मेट स्टैंडर्ड होना चाहिए, पूरे इंडिया में जितनी भी कंपनियां ई इनवॉइस की जिनको रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, कंप्लाई करना है इस कानून के साथ, 50 करोड़ से ऊपर वाले टर्नओवर वाली कंपनीज, उन सारी कंपनियों का अब ई इनवॉइस कैसा होगा, एक ही होगा। अब जितनी भी कंपनी अपना इनवॉइस बनाएंगी उन सबका फॉर्मेट एक ही होगा, क्योंकि मेन सॉफ्टवेयर के अंदर ही हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, सारी कंपनियों ने अपने अपने सॉफ्टवेयर के अंदर गवर्नमेंट वाला पोर्टल, गवर्नमेंट वाला फॉर्मेट ही क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया, और यही नहीं पोर्टल के साथ भी इंटीग्रेट कर दिया, ताकि जो कंपनी यूज कर रही है सॉफ्टवेयर उसे प्रॉब्लम ही ना आए, उसे बार बार अलग से इनवॉइस बनाना है, फिर अलग से पोर्टल खोलकर अपलोड करना है, और फिर उसे वापस डाउनलोड करना है, ये सारा झंझट खत्म कर दिया। आप अपने सॉफ्टवेयर में बनाओ, क्लिक करो, क्लिक करते ही आपका क्या बनके तैयार हो जाएगा बोलो, ई इनवॉइस बनके तैयार हो जाएगा, वो अपने आप सॉफ्टवेयर बैकएंड पीछे ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, अपलोड भी कर देगा, फिर वापस डाउनलोड भी कर देगा, और आपकी स्क्रीन पे तो डिस्प्ले आ जाएगा।
ये इनवॉइस बनके तैयार, और वो दो एडिशनल चीजें भी उसके अंदर ऐड हो जाएंगी। सर आप बार बार बोल रहे हो दो एडिशनल चीजें, वो दो एडिशनल चीजें कौन सी हैं बताने वाला हूं, थोड़ा सा और इंतजार कर लो, बस मुझे ये बताओ कि हम कहां थे। सर हम स्टेचुटरी प्रोविजन में थे और कानून की भाषा को समझने की कोशिश कर रहे थे। हमने पहली लाइन समझी जहां पर आपने हमें बताया नोटिफाइड क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन का मतलब, और दूसरी चीज अब आपने और अच्छे से बहुत अच्छे से समझा दी कि INV 01 का क्या मतलब है। INV 01 एक तरीके का फॉर्मेट है, एक तरीके का स्कीमा है जिसे फॉलो करना जरूरी है साहब, वरना गवर्नमेंट का पोर्टल पागल हो जाएगा, क्योंकि हर कंपनी का अपना अलग फॉर्मेट होता है। लेकिन अब क्या होगा, अब सारी कंपनियां जो सॉफ्टवेयर यूज करती है, सारी सॉफ्टवेयर के अंदर उन्होंने क्या कर दिया, INV 01 ही इंटीग्रेट कर दिया, तो अब सब सारी कंपनीज का जो इनवॉइस का फॉर्मेट है वो स्टैंडर्ड हो जाएगा और इंटीग्रेट कर दिया पोर्टल के साथ, तो एक क्लिक करते ही आपका ई इनवॉइस भी बनकर तैयार हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया। अब बोला साहब अपलोड करेंगे आईआरपी पर, तो यही तो है बेटा आईआरपी, जिसे इतनी देर से मैं समझा रहा हूं, जिसे बोला जाता है इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल, वही पोर्टल einvoice1.gst.gov.in, einvoice1.gst.gov.in, einvoice 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, वो जितने भी ई इनवॉइस के पोर्टल में बता रहा था उसी को बोला जाता है। बोलो क्या बोला जाता है, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन, इनवॉइस को रजिस्टर कराने वाला इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल। नाम दे दिया साहब, कुछ भी नया नहीं है, सिर्फ पोर्टल का नामकरण करा है। जैसे आपका नाम अभिषेक है, आपका नाम रजत है, आपका नाम होशियार चंद है, जो भी नाम आपका है, मेरा नाम मधुसूदन है, बिल्कुल उसी तरह से पोर्टल का नाम क्या है, आईआरपी, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल। बोलो यहां तक कोई दिक्कत हो तो। नहीं सर, ये भी समझ में आ गया। और उसी पर क्या करना है, देखो उसी पर मुझे अपलोड करना है, और मैंने क्या बताया, वो अपलोड सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक बैकएंड में कर देगा, आपको तो सिर्फ एक क्लिक करना है, अपलोड वाला क्लिक करना है, जनरेट ई इनवॉइस पे क्लिक करना है, काम अपने आप हो जाएगा। और फिर एक बड़ी बात आ रही है सर, जनरेट करना है IRN, जनरेट करना है IRN। अब ये जो IRN है साहब, ये वही चीज है जो इतनी देर से मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि दो चीजें गवर्नमेंट आपके इनवॉइस में लगाएंगी और आपको आपका इनवॉइस वापस दे देंगी। देखो साहब, ये मेरा इनवॉइस था, ये मैंने भेजा किसके पास में, गवर्नमेंट के पास में। यहां गवर्नमेंट बैठी है, यहां कौन बैठी है, गवर्नमेंट बैठी है। मैंने गवर्नमेंट के पास में भेजा और गवर्नमेंट ने वापस मुझे वो इनवॉइस दे दिया, कितनी चीजें एक्स्ट्रा ऐड करके, दो चीजें एक्स्ट्रा ऐड करके। और बेटा उसी में से एक चीज है आपके पास, आपका IRN, इसे कहते हैं इनवॉइस रजिस्ट्रेशन नंबर। जैसे इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल था, वेबसाइट को हमने क्या बोला था, पोर्टल, वैसे ही यहां पर हम बोलेंगे इनवॉइस रजिस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर कहां चला गया हमारा, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन नंबर, क्या बोलेंगे, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन नंबर। यानी कि आपने जो इनवॉइस नंबर रखा होगा, फॉर एग्जांपल आपने नंबर रखा 45/2021, आपने नंबर क्या रखा अपनी इनवॉइस का, 45/2021। आपने देखा ना इनवॉइस पे नंबर डाला रहता है, हर बिल पे बिल नंबर, अपन बोलते हैं ना बिल नंबर, तो हर इनवॉइस पे इनवॉइस का नंबर होता है। तो नंबर क्या है साहब, 45/2021, ठीक है, ये मेरा नंबर है। लेकिन इस नंबर की कोई इज्जत नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि ऐसे तो हर कंपनी अपना रखेगी, तो सारी कंपनियों का 45 45 45 मिक्स हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने बोला साहब हम आपको एक यूनिक इनवॉइस नंबर दे रहे हैं। यूनिक मतलब कि हर इनवॉइस का अलग, हर कंपनी की हर इनवॉइस का अलग। अगर एक कंपनी एक साल में 10,000 इनवॉइस बनाती है तो हर इनवॉइस का अलग यूनिक नंबर, यानी 10,000 यूनिक नंबर गवर्नमेंट उस कंपनी को अलॉट कर देगी, क्योंकि वो कंपनी इनवॉइस बनाएगी, गवर्नमेंट को बताएगी, गवर्नमेंट उसके बदले में क्या दे देगा, एक यूनिक IRN बना के दे देगा, एक यूनिक IRN बनाकर दे देगा। और बिल्कुल इसी तरीके से अगर कोई दूसरी कंपनी अपना इनवॉइस देगी तो उसको अलग नंबर अलॉट होगा। सर ऐसे तो इतने सारे नंबर हो जाएंगे, हाँ इसलिए तो बेटा ये कितने डिजिट का होगा पता है आपको, ये होगा 64 digits। तो कभी ऐसा पॉसिबल ही नहीं होगा कि आपके डिजिट रिपीट हो जाए, क्योंकि मैंने बोला ना यूनिक मतलब कि हर एक का अलग। अब इतनी सारी कंपनीज, इतनी सारी इनवॉइसेस और हर इनवॉइस का अलग नंबर जनरेट करना है तो डेफिनेटली डिजिट बहुत सारे हो जाएंगे। 64 डिजिट आप सोचो बेटा, 8 डिजिट में करोड़ में पहुंच जाते हैं, 8 डिजिट में हम कहां पहुंच जाते हैं, करोड़। 8 डिजिट में आपका 1 करोड़ पूरा हो जाता है, 1 करोड़। तो यहां तो 64 डिजिट तक इसे बनाया जा सकता है, यानी कि ये इनवॉइस रेफरेंस नंबर सोचो आप, कितनी करोड़ों इनवॉइसेस
के रेस्पेक्ट में एक यूनिक नंबर दे सकता है। अब समझे आप, और ये यूनिक नंबर ही होगा जिससे पता लगेगा कि ये कौन सा इनवॉइस है, इसमें कौन कौन से गुड्स है, कितना टैक्सेबल वैल्यू है, कितना टैक्स बनता है, सारी की सारी डिटेल ये नंबर डालते ही आपके सामने आ जाएंगी। क्योंकि अब ये आप गवर्नमेंट को बता चुके हो, डेटाबेस में जा चुका है, गवर्नमेंट के सिस्टम में जाके सेव हो चुका है। तो जैसे गवर्नमेंट के एप्लीकेशन के ऊपर आप मोबाइल में चाहे कंप्यूटर पे ये नंबर डालोगे तो भाई साहब 2 मिनट में पता लग जाएगा माल किसने बेचा था, किसको बेचा था, कौन सा गुड्स था, कितनी तारीख को बेचा था, उसमें क्या क्या टैक्स बना था, क्या क्या वैल्यू थी, सिग्नेचर किसका था। अरे भैया जी, सारी की सारी डिटेल्स आपके सामने ओपन हो जाएगी इस एक नंबर से ही। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। इसलिए तो ये ई इनवॉइस बना, यही तो बड़ा डिफरेंस है आपके बनाए हुए इनवॉइस में और गवर्नमेंट ने जो वापस आपको दिया उसमें। गवर्नमेंट ने आपका इनवॉइस लिया, उसमें एक यूनिक नंबर ऐड कराया जिसे हमने बोला IRN, इनवॉइस रेफरेंस नंबर ऐड कराया, और ऐड कराकर आपको ही आपका इनवॉइस वापस दे दिया। सर वो दूसरी चीज कौन सी है? आपने बोला था 2 चीजें ऐड करवाएंगे, ये तो समझ में आ गया सर, ये तो समझ में आ गया IRN, लेकिन ये दूसरी चीज कौन सी है? बेटा मुझे बताओ कि अगर रास्ते में कभी प्रॉपर ऑफिसर ने गाड़ी रोक ली, ध्यान से सुनो, ये है बायर, ये है सेलर, इसने माल बेचा है, इसने खरीदा है, मूवमेंट हो रहा है। अभी इस क्लास की शुरुआत इस शब्द के साथ हुई थी, मूवमेंट, मूवमेंट, ओ भैया मूवमेंट, मूवमेंट पर ही गवर्नमेंट का सारा कैमरे का फोकस था। DSLR कैमरा, बड़ा सा लेंस लगा रखा है गवर्नमेंट ने, और बार बार गवर्नमेंट मूवमेंट की बात करती है। तो मैंने आपको बोला था कि मूवमेंट के टाइम पर टैक्स इनवॉइस का होना जरूरी है, बोलो हाँ के ना। हाँ जी सर। अब होता क्या है मुन्ना, बात को समझिएगा, होता यह है साहब कि अगर यह है ए और यह है बी, बी ने माल बेचा ए को, बी ने माल बेचा ए को, बेटा लोग क्या करते हैं, फर्जी इनवॉइस बनाते हैं, अरे फेक इनवॉइस बनाते हैं, फेक इनवॉइस। तो गवर्नमेंट ने कहा कब तक बनाओगे, आखिर कब तक हम नुकसान झेलेंगे, कब तक तुम षड्यंत्र रचोगे, हम नहीं रचने देंगे तुम्हें षड्यंत्र। मुझे एक बात बताओ, जब गाड़ी रोक ली, चलो रोक ली साहब, प्रॉपर ऑफिसर ने गाड़ी रोक ली, पुलिस वालों ने गाड़ी रोक ली, और ड्राइवर को बोला बिल दिखा, तेरे गाड़ी में माल लोड हो रखा है ना, करोड़ों का माल तो एक जगह से दूसरी जगह अपने ट्रक में भरकर ले जा रहा है, भैया ये तो बता इस करोड़ों के माल के ऊपर टैक्स का पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ। बेटा वो तो क्या करेगा, एक इनवॉइस बनाया हुआ जो है वो दिखा देगा, वो इनवॉइस बनाया हुआ दिखा देगा। अब ये इनवॉइस असली है कि नकली, ये बेचारा वो ऑफिसर, वो पुलिस वाला कैसे पता करेगा, वो पता कर ही नहीं सकता, बिल्कुल ओरिजिनल इनवॉइस दिखेगा। और बाद में पता है क्या, वही ड्राइवर उस इनवॉइस को आगे जाके फाड़ के फेंक देगा, जैसे ही उसका रास्ता खत्म हुआ, उसने रेसिपिएंट को माल पकड़ाया, वो इनवॉइस पकड़ाया, फाड़ा और नाली में फेंक दिया, क्योंकि वो फर्जी इनवॉइस है और हमने मूवमेंट भी करा लिया। अब इस इनवॉइस की वैलिडिटी, वैलिडिटी को चेक करना पॉसिबल नहीं था, लेकिन अब 100% पॉसिबल है साहब। कम से कम बड़े ट्रांजेक्शंस के अंदर 50 करोड़ से ऊपर की कंपनियां बहुत सारी होती है साहब, लगभग लगभग मानो कि गवर्नमेंट ने सारे बड़े घपले करने वाले लोगों को लपेट लिया, पकड़ लिया, क्योंकि अब ये इनवॉइस नॉर्मल इनवॉइस नहीं बल्कि ई इनवॉइस होगा, और अब इसकी वैलिडिटी चेक करी जा सकती है, क्योंकि अब इस पे जो नंबर डला होगा वो नंबर होगा IRN, क्योंकि ये ई इनवॉइस होगा। और अब प्रॉपर ऑफिसर गाड़ी रुकवाएगा, गड्डी रुकवाएगा, ड्राइवर को उतरवाएगा और बोलेगा भाई साहब IRN बता, क्योंकि अब मेरे पास में गवर्नमेंट का मेरे मोबाइल में क्या है, एप्लीकेशन। अब मैं क्या करूंगा, पहले तो मैं सिर्फ देखकर मुंह बंद कर लेता था, कुछ बोल नहीं पाता था, क्योंकि मैं ये प्रूफ नहीं कर पाता था कि तो इनवॉइस तूने मुझे दिखाया है ये असली है कि नकली है। लेकिन अब मैं क्या करूंगा, मेरे मोबाइल में IRN नंबर डालूंगा और वो IRN नंबर गवर्नमेंट के पोर्टल पे जाएगा और फटाफट से तेरी इनवॉइस की सारी डिटेल मेरे सामने आ जाएगी, मुझे पता लग जाएगा कि हाँ भाई साहब इसके रेस्पेक्ट में आप लोग गवर्नमेंट को रिपोर्टिंग कर चुके, और साहब एक बार अगर गवर्नमेंट को तुमने बता ही दिया कि हमने इतने का माल बेचा है तो उसे वापस नहीं ले सकते, जब तुमने इतना बता दिया कि इतने का माल बेचा है और उस पर इतना टैक्स बनता है, टैक्स इनवॉइस बना रहे हो तो टैक्स का अमाउंट तो होगा, तो फिर वो तुम्हें टैक्स का अमाउंट गवर्नमेंट को देना ही पड़ेगा, फिर तुम पीछे नहीं हट सकते। इस पर अभी आगे और फर्दर डिटेल डिस्कशन करूंगा कि टैक्स का पेमेंट कैसे गवर्नमेंट को, कैसे रिटर्न भरते वक्त जब हम टैक्स का पेमेंट करते हैं तो ये ई इनवॉइस का कॉन्सेप्ट रिटर्न चैप्टर से कैसे लिंक होगा वो भी करके दिखाऊंगा। हालांकि रिटर्न चैप्टर अभी तक अपन ने पढ़ा नहीं है, जब पढ़ोगे तो और ज्यादा क्रिस्टल क्लियरिटी आप लोगों को मिल जाएगी, लेकिन फिर भी मैं उससे पहले थोड़ा सा डिस्कशन करके चलूंगा। लेकिन अभी मैंने क्या बोला, अभी मैंने ये बोला कि एक बार अगर गवर्नमेंट को रिपोर्टिंग हो गई तो गवर्नमेंट को पता लग गया साहब, अब तुम गवर्नमेंट से छुपा नहीं सकते। तो IRN रास्ते में जब मैं पकड़ के चेक कर लूंगा ना तो काम खत्म हो जाएगा, फिर दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन एक दिक्कत जो आएगी ना दोस्त, वही आएगी कि 64 डिजिट टाइप कौन करेगा यार, 64 डिजिट्स टाइप कौन करेगा। और फिर अगर एक डिजिट अगर मैंने गलती से गलत टाइप कर दिया दोस्त, देखो मैं आपको दिखाता हूं, बुक में आओ एक मिनट बुक में आओ, निकालो ई इनवॉइस वाला निकालो, मैं आप लोगों को दिखाता हूं किस तरीके का ये
डिजिट्स होते हैं, किस तरीके का ये नंबर होता है, मैंने आपको बुक में दिया भी है जहां पर हमने नोट्स बनाए वहां पर, कि किस तरह का ये आपको ई इनवॉइस दिखाई देगा। देखो दोस्त, ये आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा, ये रहा, ये देखो इस तरीके का कोड है, ये देखो इतना बड़ा कोड है। अब इतना बड़ा जो कोड आपको जनरेट होगा, अब ये प्रॉपर ऑफिसर टाइप करने बैठेगा, वो पुलिस वाला जिसने गाड़ी रोकी है वो ये टाइप करने बैठेगा। फॉर एग्जाम्पल बेटा, इस डी की जगह उससे गलती से सी टाइप हो गया, तो पूरा नंबर वापिस टाइप करना पड़ेगा। अब बार बार वही करता रहेगा क्या? कहने का मतलब ये कि 64 डिजिट टाइप करने बैठेगा और फिर अगर उसमें से एक भी डिजिट, छोटा से छोटा डिजिट भी अगर गलत हो गया, 3 की जगह 2 हो गया, 2 की जगह 3, A की जगह B, C की जगह D, एक डिजिट भी गलती हो गई तो वापस पूरा का पूरा डालो, तो झंझट हो गया। तो गवर्नमेंट ने कहा साहब इस झंझट का भी छुटकारा दे रहे हैं, डोंट वरी। हम आपको जो दूसरी चीज इनवॉइस के अंदर लगाने की बात में कर रहा था, जो दूसरी चीज, एक तो IRN मैंने बता दिया, जो दूसरी चीज में बात कर रहा था वो है मेरे दोस्त QR कोड। जी हाँ, वक्त आ चुका है टाइपिंग का काम खत्म करने का, वक्त आ चुका है स्कैन स्कैनिंग स्कैनिंग चालू करने का। जी हाँ दोस्तों, मोबाइल में कैमरा ऑन करेंगे और QR कोड को स्कैन करेंगे, स्कैन करते ही 64 डिजिट का IRN 1 सेकंड में स्कैन हो जाएगा और पूरा इनवॉइस आपके सामने आ जाएगा। यानी कि साहब सिर्फ IRN ही नहीं गवर्नमेंट लगा के भेजेगी, बल्कि एक QR कोड भी अब आपके इनवॉइस के ऊपर चिपक कर सामने आएगा और आपको आपका इनवॉइस नजर आएगा। जो नया इनवॉइस गवर्नमेंट आपको बना के देगी, जैसे हमने प्यार से बोला ई इनवॉइस, उस ई इनवॉइस के अंदर बकायदा IRN भी प्रिंट हो रखा होगा और एक QR कोड भी होगा, और ये QR कोड के अंदर आपका जो IRN नंबर है, जो IRN है, वो क्या हो रखा होगा, इंटीग्रेट हो रखा होगा। आपका IRN किसके अंदर इंटीग्रेट कर दिया, QR कोड के अंदर इंटीग्रेट कर दिया। तो QR कोड को स्कैन करो और स्कैन करते ही इनवॉइस सामने। तो जो टाइपिंग की झंझट थी कि भैया 64 डिजिट टाइप कैसे करेंगे, अब वो टाइपिंग की झंझट भी खत्म हो गई क्योंकि उसे हमने QR कोड के अंदर क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। और बेटा ये IRN जो है ये गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में जाके सेव हो जाएगा, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप किसी भी टाइम पर चेक करोगे तो पता लग जाएगा कि ये इनवॉइस किसका था, किसको था, क्यों था, क्या वैल्यू ऑफ गुड्स था, क्या टैक्स का रेट था और कितना टैक्स बना था, सारी की सारी चीजें आपको यहां पर मिल जाएंगी। बोलो समझा कि नहीं समझा? हाँ जी सर, अब बात समझ में आ गई। और अब अगर मैं वापस से आप लोगों को बेयर लॉ की लैंग्वेज पर लेकर चलूं, तो हमने जो लास्ट लाइन थी उसे भी कंप्लीट कर लिया। इसी के साथ में जो बेयर लॉ था आपका, रूल नंबर 48, सब रूल नंबर 4, उसकी बात यहां पर हमने करी। अब इसमें एक छोटी सी चीज और बच जाती है जो मैं एक वाटर ब्रेक के बाद डिस्कस करूंगा, तो हम एक छोटा सा वाटर ब्रेक लेंगे। बच्चे कह रहे हैं सर वैसे ही ब्रेक का टाइम हो गया है, तो आप लोग ब्रेक दे ही दीजिए। चलो ठीक है साहब, यहां तक मैंने आपको जितना भी ई इनवॉइस अभी तक, हालांकि ई इनवॉइस में अभी थोड़े बहुत मुद्दे बाकी हैं जो मुझे डिस्कस करने हैं डेफिनेटली, तो वो मुद्दे अब हम ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। हालांकि यहां तक मैंने आपको मेन कानून बता दिया कि साहब ई इनवॉइस का मतलब क्या है। ई इनवॉइस का मतलब है गवर्नमेंट को करनी है रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग करने के लिए जो पोर्टल है वो कहलाएगा IRP, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल। क्या कहलाएगा? इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल। और साहब जो फॉर्मेट होगा, जिस फॉर्मेट में इनवॉइस बना के देना है, क्योंकि इतने सारे अलग अलग फॉर्मेट में बनाओगे तो गवर्नमेंट कंफ्यूज हो जाएगा, तो गवर्नमेंट ने खुद ने ही एक स्कीमा, ई इनवॉइस स्कीमा डिक्लेयर कर दिया, एक फॉर्मेट बता दिया पूरी दुनिया को कि भैया जी अब अगर हमें इनवॉइस देना तो इस फॉर्मेट में बना के देना। तो जितनी भी कंपनियां सॉफ्टवेयर यूज करती है उन्होंने सॉफ्टवेयर कंपनियों को बोला, तो सॉफ्टवेयर कंपनियों ने क्या करा, वो गवर्नमेंट वाला जो फॉर्मेट था वो अपने सॉफ्टवेयर में ही इंटीग्रेट कर दिया। तो अब जो भी कंपनी सॉफ्टवेयर से अपना इनवॉइस बनाएगी वो इनवॉइस बनेगा ही गवर्नमेंट के पोर्टल के हिसाब से, और यही नहीं इंटीग्रेट भी कर दिया ताकि हाथों हाथ एक क्लिक के ऊपर ही अपलोड भी हो जाए और वापस डाउनलोड भी हो जाए। चौथी चीज जो नंबर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो बेटा वो नंबर है जो नंबर जनरेट होगा, जिसे हमने बोला IRN, इनवॉइस रेफरेंस नंबर, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन नंबर। इसी से पता लगेगा कि आखिर ये इनवॉइस वाकई में ओरिजिनल ऑथेंटिक इनवॉइस है या नहीं है, फेक इनवॉइस तो नहीं है। और टाइप करने में प्रॉब्लम आएगी तो QR कोड भी उसके ऊपर लगा दिया जाएगा। तो बुक से रेफरेंस करेंगे, बुक से रीडिंग करेंगे और बचा हुआ पोर्शन कंप्लीट करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। 5 से 10 मिनट का ब्रेक है, आराम से पानी वानी पी लो, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ठीक है, हाँ जी दोस्तों, ब्रेक पूरा हो गया आप सभी का? हाँ सर, हमारा ब्रेक पूरा हो गया। तो लेट्स स्टार्ट, जो हमारा रिमेनिंग पोर्शन बच गया था ई इनवॉइस को कंप्लीट करने के बाद। तो देखो साहब, हमने समझा कि नोटिफाइड लोगों को ही ई इनवॉइस की रिक्वायरमेंट के साथ कंप्लाई करना है। किनको? नोटिफाइड, ठीक है, यानी जिन्हें गवर्नमेंट ने क्या करा भाई, नोटिफिकेशन लाकर नोटिफाई करा। लेकिन बेटा गवर्नमेंट जो नोटिफिकेशन लेकर आई ना, उसमें गवर्नमेंट ने क्या करा, नोटिफाइड के साथ साथ कुछ स्पेसिफाइड लोग भी बता दिए। स्पेसिफाइड
सर नोटिफाइड तो समझ में आ गया, अभी स्पेसिफाइड लोग कौन है, नोटिफाइड पर्सन तो बता ही दिए, उसी के साथ साथ कुछ स्पेसिफाइड पर्सन भी बता दिए, और ये बोल दिया कि नोटिफाइड पे तो लगेगा 50 करोड़ से ऊपर जाओगे किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, तो नोटिफाइड पे तो लगेगा, लेकिन अगर आप 50 करोड़ से ऊपर हो किसी भी प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, फिर भी आप पे नहीं लगेगा अगर आप कौन हो, आप स्पेसिफाइड पर्सन हो। यानी कि आप ये भी समझ सकते हो कि ये एक्सक्लूजन है, एक्सक्लूजन, एक्सक्लूजन कह लो या फिर एक्सेप्शन कह लो, एक्सक्लूजन कह लो या फिर एक्सेप्शन कह लो, यानी कि इन लोगों के ऊपर ई इनवॉइस की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी 50 करोड़ से ऊपर होने के बावजूद। मतलब कि जो लोग मैं बता रहा हूं, अगर इनका टर्नओवर किसी भी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 50 करोड़ से ऊपर जाता है, उसके बावजूद इनके ऊपर ई इनवॉइस की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। सर फटाफट से बताइए, हमसे रहा नहीं जा रहा बेटा। सबसे पहले पहले ही नंबर पर आपके पास में आपका आता है ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, और वो भी पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। आप खुद सोच के देखो साहब, मैं कहता हूं गवर्नमेंट कभी कुछ गलत करेगी ही नहीं, कॉमन सेंस की बात है भैया। रोड ट्रांसपोर्ट हो चाहे रेलवे हो, चाहे रोड ट्रांसपोर्ट हो चाहे रेलवे हो, एक दिन में एक बस या एक रेल के अंदर कितने सारे लोग ट्रेवल करते हैं, ये आप भी बेहतरीन तरह से जानते हैं। मुझे बताइए साहब, हर एक इंसान को मैं एक टिकट देता हूं, टिकट। और अगर आपको याद हो पिछली ही क्लास में मैंने आपको बताया था, स्पेशल प्रोसीजर था गुड्स ट्रांसपोर्टेशन वालों के लिए सर्विस, जिसके अंदर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन वालों के लिए प्लस आपके पास में सिनेमेटोग्राफिक फिल्म इन मल्टीप्लेक्स स्क्रीन की सर्विस प्रोवाइड करने वालों के लिए, बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी के लिए स्पेशल प्रोसीजर था इनवॉइस बनाने को लेकर, अगर आपको याद हो तो। लास्ट क्लास में डिस्कस किया था हमने ऑप्शनल इंफॉर्मेशन और मैंडेटरी इंफॉर्मेशन, याद आया? हाँ सर, बिल्कुल वही चीज यहाँ पर एप्लीकेबल हो रही है मेरे दोस्त, कि टिकट जो आप दे रहे हो कितने लोगों को दे रहे हो साहब, ये टिकट ही आपका टैक्स इनवॉइस है, ये टिकट ही मेरे दोस्त आपका टैक्स इनवॉइस है। तो सोच के देखो कि यार अगर मैं एक दिन में 1 करोड़ टिकट दे रहा हूं, 1 करोड़ मैं तो मिनिमम बता रहा हूं यार, तो क्या 1 करोड़ बार उस हर एक टिकट को आपको गवर्नमेंट को क्या रिपोर्ट करना पड़ेगा, ई इनवॉइस जनरेट करना पड़ेगा? द आंसर इज नो, पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। एक दिन में एक रेल के अंदर, एक रेल की बात कर रहा हूं बेटा, कितने लोग ट्रेवल कर जाते हैं, तो सोचो एक दिन में कितनी सारी रेल्स इस इंडिया के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जाती होंगी, आप सोच भी नहीं सकते कि लाखों करोड़ों लोग, लाखों के बाद करोड़ों लगा रहा हूं, लाखों करोड़ों लोग एक दिन में रेलवे से ट्रेवल करते हैं इस इंडिया के अंदर। तो सोचिए साहब कि इतने सारे लोगों को जो टिकट आपने एक दिन में इशू करा है सिस्टम के थ्रू, क्या उन सबको पोर्टल पर डाला जा सकता है? गवर्नमेंट का पोर्टल ही ठप बैठ जाएगा, जो 10 पोर्टल बनाए हैं 1 2 3 4 सब के सब बंद हो जाएंगे भाई साहब, अगर इतना सारा डेटा एक साथ आपने अपलोड कर दिया तो, इतने लोग ट्रेवल करते हैं। तो बात को समझना, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइड करने वालों को बाहर कर दिया, यही नहीं साहब गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस को भी बाहर कर दिया। अरे जब जीटीए वालों से फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे ना करवा पाए, जब जीटीए वालों से फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स ना पे करवा पाए, तो साहब तुम इनवॉइस की क्या रिपोर्टिंग करवा लोगे? वो जीटीए है, वो बिल्टी बनाते हैं, वो ड्राइवर लोग होते हैं, वो कहते हैं साहब हमारे में दिमाग नहीं है इतना, जब हम टैक्स ही नहीं पे कर रहे, जीटीए को रिवर्स चार्ज में डालना पड़ गया गवर्नमेंट को, जब रेसिपिएंट से टैक्स पे करवा रहे हैं जीटीए के केस में, तो उनसे इनवॉइस क्या बनवाएंगे, उनको भी बाहर कर दिया। तो समझ के लेना, गुड्स ट्रांसपोर्ट थ्रू गुड्स कैरेज ऑन रोड, यानी कि स्पेसिफिकली कहूं तो जीटीए बाहर हो जाता है, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस भी आपके पास में बाहर हो जाता है ई इनवॉइस की रिक्वायरमेंट्स। इसके अलावा वही आपका एक दिन में इस इंडिया के अंदर ना जाने कितने मूवी थिएटर, आपका पीवीआर सिनेमा, प्यार से जाते हो ना मूवी देखने पीवीआर के अंदर? हाँ जी सर, जाते हैं पीवीआर में जाते हैं, और वो भी खाते हैं सर, वो क्या बोलते हैं उसको, अभी दिमाग से मेरे नाम निकल गया, जो आप एक बाउल में लेकर आते हो वो मिलता है कैंटीन में, मिलता है सर पॉपकॉर्न। हाँ जी सर बिल्कुल सही, पॉपकॉर्न, तो पॉपकॉर्न भी खाते हैं। तो मुझे बताइए कि एक मूवी पूरे इंडिया में लगती है, ना जाने कितने अनाप शनाप मल्टीप्लेक्स स्क्रीन थिएटर्स आपके पास में अवेलेबल है इंडिया के अंदर, उसमें आप मूवी देखने जाते हो, कितने ही सारे लोग मूवी देखने जाते हैं, एक मूवी 500 करोड़ कमाती है मेरे दोस्त, पहले ही दिन दूसरे ही दिन इतना बॉक्स ऑफिस पे टर्नओवर हो जाता है। तो सोच के देखो इतने सारे टिकट जो बिके हैं उस मूवी के, इतने सारे जो टिकट बिके हैं, क्या इन सभी टिकट्स को गवर्नमेंट को रिपोर्ट किया जाए, इनके अगेंस्ट ई इनवॉइस जनरेट किया जाए, INR नंबर निकाला जाए? द आंसर इज नो, बिकॉज इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, तो इनको भी बाहर कर दिया। तो तीसरे नंबर पे क्या बोला सर, मल्टीप्लेक्स स्क्रीन वाले भी बाहर, तो एग्जांपल लिख रहा हूं सिर्फ नाम पीवीआर, तो पीवीआर भी बाहर हो गया सर। कौन कौन बाहर हो गया? पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज बाहर हो गया, जीटीए बाहर हो गया,
पीवीआर बाहर हो गया मेरे दोस्त, इसी के साथ इन्होंने आपकी बैंकिंग कंपनी, आपकी इंश्योरेंस कंपनी, आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और आपके एनबीएफसी को भी बाहर निकाल दिया। रीजन क्लियर कट है कि एक दिन में एक बैंक असंख्य ट्रांजेक्शन करता है, गिन नहीं सकते। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसा बहुत बड़ा बैंक, जिसकी ना जाने कितनी ब्रांचेस हैं ऑल ओवर इंडिया में, ना जाने कितने ट्रांजेक्शन होते होंगे मेरे दोस्त। बड़ी बड़ी बैंक्स के एग्जांपल ले रहा हूं, एक्सिस बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, बहुत ट्रांजेक्शन होते हैं, बहुत। तो जो आईसीआईसीआई मेन बैंकिंग बताया मैंने आपको, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, मेन बैंक के बेटा, इनके बहुत तगड़े ट्रांजेक्शन होते हैं। हर ट्रांजेक्शन के लिए इनका इनवॉइस जनरेट होता होगा। सोचो क्या हर एक इनवॉइस को इस तरह से रिपोर्ट किया जा सकता है सिर्फ ई इनवॉइस की जनरेशन के लिए? द आंसर इज नो। तो सब आपके पास में बैंक, आपके पास में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, आपके पास में इंश्योरेंस कंपनीज और एनबीएफसी को भी यहां से बाहर कर दिया गया। और इसके अलावा बेटा फिफ्थ नंबर पे लास्ट पर्सन जो यहां पर बाहर किया गया वो है आपके पास में एसईजेड यूनिट। SEZ यूनिट, मैंने लिखा यूनिट, कान खोल के सुनना, डेवलपर नहीं लिखा, हर जगह लिखा मिलता है SEZ यूनिट और डेवलपर, यहां पर सिर्फ SEZ यूनिट है, यानी SEZ डेवलपर पर 50 करोड़ वाली रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल होगी, उसे ई इनवॉइस बनाना है। सर SEZ यूनिट और डेवलपर में क्या डिफरेंस होता है? बेटा सिंपल सी बात है, एक एरिया होता है, मैंने आपको पहले भी बताया है, आपने पढ़ा भी होगा दूसरे सब्जेक्ट के अंदर, जिसे कहा जाता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, होता स्टेट में ही है, सिटी में ही है, लेकिन सिटी से अलग माना जाता है। हमारे यहाँ जयपुर है, जयपुर के अंदर SEZ है, हमारे यहाँ पर वो एक एरिया है जो है जयपुर में ही, लेकिन जयपुर से अलग माना जाएगा, जयपुर में नहीं माना जाएगा। सर ऐसा क्यों? ये उसको एक स्पेशल स्टेटस दिया गया है SEZ एक्ट के थ्रू, बेटा कानून बनाया गया है इसका, अलग से कानून है और वो कानून उसे एक स्पेशल स्टेटस देता है। तो ध्यान रखना, एक ICICI बैंक की जो ब्रांच है वो जयपुर में ही बाहर है SEZ से, और एक अगर ICICI बैंक की ब्रांच उस SEZ के अंदर है तो माना जाएगा कि वो जयपुर में होते हुए भी जयपुर में नहीं है, क्योंकि वो SEZ के अंदर है, वो स्पेशल स्टेटस वहां पर बियर कर रही है, तो साहब उसको यहाँ पर बेनिफिट मिल जाएगा और ई इनवॉइस की रिक्वायरमेंट उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इस SEZ को बनाने वाला SEZ डेवलपर कहलाता है, तो जो इसे डेवलप करता है वो डेवलपर कहलाता है, और उस डेवलपर पर तो भैया ई इनवॉइस की रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल होंगी। तो याद रखिएगा, वैसे बुक में मैंने पॉइंट 2 भी नोटेड में ये चीज दे भी रखी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अभी बुक से भी हम रेफर करके चलेंगे, बट फॉर द टाइमिंग मैंने आपको बता दिए कि वो कौन कौन से स्पेसिफाइड लोग हैं भैया जी, जिनके ऊपर 50 करोड़ से ऊपर जाने के बावजूद भी ई इनवॉइस की रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल नहीं होंगी। यहां तक कोई समस्या हो तो बताइए साहब, कोई समस्या नहीं है, सभी को सभी चीजें अच्छे से समझ में आ गई है, ऑल द वे क्लियर। तो चलो फिर बिना टाइम वेस्ट करें एक छोटा सा टॉपिक और समझ लेते हैं, और वो है साहब आपके पास में QR कोड। सर आपसे गलती हो रही है सर, ये तो आप बता दिया ना सर, आपने QR कोड तो बता दिया। नहीं साहब, नहीं बताया, सुनो तो सही पूरी बात को, इट्स नॉट QR कोड, इट्स अ डायनामिक QR कोड, कंफ्यूज मत होइएगा साहब। QR कोड तो मैंने बता दिया, लेकिन अब बताने जा रहा हूं डायनामिक QR कोड। बोलो, अब बताने जा रहा हूं मैं आप सभी को डायनेमिक QR कोड। क्या बताने जा रहा हूं? डायनेमिक QR कोड। तो डायनेमिक QR कोड का सर क्या मतलब होता है? डायनेमिक QR कोड का मतलब होता है, क्या हुआ भैया, सब ठीक है? हाँ जी सर ठीक है। डायनेमिक QR कोड का मतलब होता है कि जब सप्लायर रेसिपिएंट को गुड्स सोल्ड करेगा, इनवॉइस बना के देगा, और सॉरी सर ई इनवॉइस बना के देगा, तो गवर्नमेंट चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा बेटा डिजिटल पेमेंट्स हो, ज्यादा से ज्यादा क्या हो, डिजिटल पेमेंट्स, कैश में पेमेंट ना हो, गवर्नमेंट चाहती है कि डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दिया जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों से डिजिटल पेमेंट करवाया जाए। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, जीएसटी के अंदर एक टैक्स इनवॉइस, क्योंकि जीएसटी में टैक्स इनवॉइस का प्रावधान है, प्रोविजंस है, कानून में लिखा है, तो उन्होंने कह दिया कि साहब आपके टैक्स इनवॉइस के अंदर, आपके द्वारा बनाई जाने वाली टैक्स इनवॉइस के अंदर एक डायनामिक QR कोड भी होना चाहिए। ध्यान रखिएगा साहब, इसका ई इनवॉइसिंग से कोई लेना देना नहीं है, कान खोल के सुन लो बच्चे, ई इनवॉइस खत्म हो चुका है मेरा। ई इनवॉइस के अंदर जो एक छोटा सा टॉपिक बचा है वो रिटर्न चैप्टर के साथ इंटीग्रेट करके पढ़ाना है, रिटर्न चैप्टर के साथ, बस वही बाकी है, बाकी लगभग मैंने ई इनवॉइस आपके पास कंप्लीट कर दिया। बीच में ये टॉपिक इसलिए पढ़ा रहा हूं, ये वाला टॉपिक, क्योंकि मैं चाहता हूं पढ़ाना, बस मेरा मन कर रहा है। तो सुनो बात को, मैंने बोला साहब ई इनवॉइस के अंदर एक डायनेमिक QR कोड भी होना चाहिए, एक डायनेमिक QR कोड भी होना चाहिए, और ये QR कोड का बेटा ई इनवॉइस से लेना देना नहीं है। ई इनवॉइस जो गवर्नमेंट ने बना के दिया था वो तो ठीक, ये तो सप्लायर अपनी तरफ से लगाएगा, ये गवर्नमेंट नहीं लगाएगी। गवर्नमेंट ने तो सिर्फ दो चीजें लगानी है, एक तो IRN नंबर, और IRN नंबर को इंटीग्रेट करने वाला QR कोड, बस बस। डायनेमिक QR कोड क्या चीज है सर,
और ये क्यों लगाना है सप्लायर को? बेटा इससे क्या होगा कि जैसे ही रेसिपिएंट उस क्यूआर कोड को स्कैन करेगा ना, तो स्कैन करने के बाद उसे अमाउंट अपने हाथ से फीड करने की जरूरत नहीं है। इतनी छोटी सी बात है यार। अगर इनवॉइस फॉर एग्जांपल 1,00,000 रुपए का इनवॉइस है, कितने का? 1,00,000 रुपए का इनवॉइस है, यानी कि साहब 1,00,000 रुपए का पेमेंट करना है रेसिपिएंट को सप्लायर को। रेसिपिएंट पेमेंट करेगा, सप्लायर को पेमेंट करेगा, 1,00,000 रुपए का पेमेंट करेगा। तो स्टैटिक क्यूआर कोड में क्या होता है बेटा? मैंने बोला डायनेमिक क्यूआर कोड, एक होता है स्टैटिक क्यूआर कोड। दो तरीके के क्यूआर कोड पाए जाते हैं, एक होता है मैंने बोला स्टैटिक क्यूआर कोड, और एक होता है जो अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया डायनेमिक क्यूआर कोड। गवर्नमेंट चाहती है कि आपका जो क्यूआर कोड हो ना वो डायनेमिक वाला हो। सर फर्क क्या है बेटा? स्टैटिक क्यूआर कोड को जब आप स्कैन करते हो ना, तो आपको जो अमाउंट है, अमाउंट टू बी पेड, ये जो अमाउंट टू बी पेड है ना, ये फीड करना पड़ता है अपने हाथ से। 1,00,000 रुपए टाइप करके डालना पड़ेगा, लेकिन डायनेमिक क्यूआर कोड के अंदर क्या होगा कि सीधा डायरेक्ट पेमेंट होगा, आपको कोई अमाउंट फीड करने की जरूरत नहीं है। यानी कि डायनेमिक क्यूआर कोड के अंदर अमाउंट भी इंटीग्रेट हो जाता है। डायनेमिक क्यूआर कोड के अंदर जो अमाउंट होता है 1,00,000 रुपीज, वो 1,00,000 रुपीज भी क्या हो जाता है? इंटीग्रेट हो जाता है। अलग से उसको टाइप करने की जरूरत नहीं है, बस स्कैन करो और डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स डालो, या फिर यूपीआई है तो यूपीआई, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड है तो वो डालो, डायरेक्ट ही आपका पेमेंट वहां पर कर दिया जाएगा। ये एक छोटा सा टॉपिक था। अब मुद्दा है कि सब क्या सभी सप्लायर्स को? नहीं साहब, नोटिफाइड सप्लायर्स को, सिर्फ और सिर्फ नोटिफाइड सप्लायर्स पे ही ये ऑब्लिगेशन डाली गई है। बता देना चाहूंगा, छोटे मोटे लोग नहीं बेटा, 500 करोड़ से ऊपर जिनका टर्नओवर है उनके ऊपर ये लायबिलिटी डाली गई है। तो अगर पिछले साल 500 करोड़ से ऊपर अगर आपका टर्नओवर था, ध्यान रखना ई इनवॉइस से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए बोला था मैंने ई इनवॉइस 50 करोड़ के ऊपर ही बनानी पड़ जाएगी। ये वाली रिक्वायरमेंट तो 500 करोड़ से ऊपर वाले लोगों के ऊपर है, और उसे भी फिलहाल के लिए बेटा मैं आपको ज्यादा जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं, पोस्टपोन कर दिया गया है। हालांकि पोस्टपोन वाला जो नोटिफिकेशन है वो आपके बाद में आया है, तो आपके एग्जाम में एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन हाँ मई 22 वालों के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इसलिए मई 22 वालों के लिए अभी ही बता देना चाहता हूं कि इस चीज को, इस रिक्वायरमेंट को क्या कर दिया गया है, आगे के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। अभी इन कंपनीज को नहीं बनाना, मतलब नहीं बनाएंगी तो भी पेनल्टी नहीं लगेगी। ठीक है, ओके सर। अब आप सभी मेरे साथ बुक पाएंगे और देखेंगे साहब इस टॉपिक को एक एक करके, ई इनवॉइस को शुरुआत से पढ़ते हैं। आज मेरे साथ साथ बुक से रीडिंग करते हैं। ई इनवॉइसिंग इज नॉट जनरेशन ऑफ इनवॉइस बाय अ गवर्नमेंट पोर्टल। ई इनवॉइस का मतलब यह नहीं है कि गवर्नमेंट की वेबसाइट से इनवॉइस बनाना है। नहीं साहब, इनवॉइस तो आपको अपने सॉफ्टवेयर में ही बनाना है, उसे सिर्फ रिपोर्ट गवर्नमेंट को कर देना है। टैक्स पेयर विल कंटिन्यू टू क्रिएट देयर जीएसटी इनवॉइस ऑन देयर ओन अकाउंटिंग और बिलिंग और ईआरपी सिस्टम्स एज पर ई इनवॉइस स्कीमा। अपने ही सॉफ्टवेयर में बनाना है, लेकिन INV01 के हिसाब से बनाना है। बनेगा आपके सॉफ्टवेयर में ही, लेकिन बनेगा इस फॉर्मेट के हिसाब से। आगे बोलता है दीज इनवॉइसेस विल बी देन रिपोर्टेड। बोला ना, रिपोर्टिंग को बोला है ई इनवॉइसिंग साहब, रिपोर्टिंग को बोला है। रिपोर्ट करना है, किसको रिपोर्ट करना है? इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर आपको रिपोर्टिंग करनी है। सिंपल, अगर रिपोर्टिंग कर दोगे तो आईआरपी आपके लिए क्या जनरेट कर देगा? एक आईआरएन जनरेट कर देगा, डिजिटली साइन करेगा, और आपको आपका रिटर्न कर देगा क्या? ई इनवॉइस। आपको ही वापस आपका इनवॉइस ई इनवॉइस के रूप में दे देगा। द जीएसटी ई इनवॉइस विल बी वैलिड ओनली विद वैलिड आईआरएन। तो ई इनवॉइस वैलिड माना जाएगा। ई इनवॉइस वैलिड सिर्फ और सिर्फ कब माना जाएगा? जब उसके ऊपर एक वैलिड यानी कि उचित सही आईआरएन हो। अगर आईआरएन नहीं है तो भैया जी भूल जाइए, आपने अपने हाथ से आईआरएन डाला है, फर्जीवाड़ा करने की कोशिश करी है, तो वो नहीं माना जाएगा जब तक कि पोर्टल से जनरेटेड आईआरएन आपके उस पे ना हो। तो देखो मैंने डायग्राम बनाने की कोशिश करी एक शानदार, और देखो मैंने समझाने की कोशिश करी कि ई इनवॉइस में सिर्फ ई इनवॉइस नहीं आता। बड़ी बात बता रहा हूं, ई इनवॉइस में ई इनवॉइस नहीं आता। इनवॉइस तो आते ही है, उसके अलावा डेबिट नोट और क्रेडिट नोट भी आते हैं। बोलो, ई इनवॉइस के अंदर इनवॉइस भी आते हैं, डेबिट नोट भी आते हैं, क्रेडिट नोट भी आते हैं। हालांकि अभी मैंने आपको डेबिट नोट और क्रेडिट नोट नहीं पढ़ाया, बट अगला चैप्टर जो है ना 13B वो इसी का ही है, तो बहुत ही जल्द हम डेबिट नोट और क्रेडिट नोट भी पढ़ने वाले हैं। लेकिन यार थोड़ा बहुत तो कॉमन सेंस होगा ना आप सभी में, फाउंडेशन में पढ़ के आए हो ना अकाउंट्स। हाँ जी सर, फाउंडेशन में अकाउंट्स पढ़ी थी, क्लास 12th में अकाउंट्स पढ़ी थी, क्लास 11th में अकाउंट्स पढ़ी थी, तो कहीं तो पढ़ा होगा डेबिट नोट क्रेडिट नोट, थोड़ा बहुत तो तुम्हें फंडामेंटल नॉलेज होगा ही। वैसे तो मैं जीएसटी में पढ़ाऊंगा कि जीएसटी में किस तरह से प्रोविजन काम करेगा, कानून का जो बनाया हुआ प्रावधान है वो काम करेगा, लेकिन फिलहाल के लिए लॉजिक तो बताएं साहब कि क्या होता है डेबिट नोट क्रेडिट नोट। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं इनवॉइस बना रहा हूं तो गवर्नमेंट को रिपोर्टिंग करनी है, हाँ। डेबिट नोट बना रहा हूं तो गवर्नमेंट को रिपोर्टिंग करनी है, हाँ। क्रेडिट नोट बना रहा हूं तो उसकी भी गवर्नमेंट को रिपोर्टिंग करनी है। तीनों चीजों के रिस्पेक्ट में आईआरएन जनरेट होगा भैया, ध्यान रखिएगा। यहां पर भी आईआरएन जनरेट होगा, यहां पर भी आईआरएन जनरेट होगा, और यहां पर भी आईआरएन जनरेट होगा।
और कब? जब नोटिफाइड पर्सन इशू करेगा. किसके रेस्पेक्ट में बेटा? बड़ी बात एक और जो मैंने नहीं बताई अभी तक, बी टू बी के रेस्पेक्ट में. ओ माई गॉड, यानी कि सर बी टू सी के रेस्पेक्ट में नहीं करना. जी हाँ साहब, अगर 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 इस 500 करोड़ से ऊपर वाले आदमी ने, इस 500 करोड़ से ऊपर वाले आदमी ने बी टू सी ट्रांजेक्शन कराए और उसके रेस्पेक्ट में अगर इनवॉइस बनाई है, तो गवर्नमेंट कह रहा है साहब उससे हमको मतलब नहीं है, उससे हमको मतलब नहीं, क्योंकि उस पे सामने वाला आगे क्रेडिट नहीं लेगा. तो क्या उसके रेस्पेक्ट में ई इनवॉइस बनाना है? द आंसर इज नो साहब, उस इनवॉइस को आपको ई इनवॉइस में कन्वर्ट नहीं करना. तो ये काम की बात, बहुत ही ज्यादा काम की बात मैंने आपको और यहां पर बता दी कि सिर्फ और सिर्फ बी टू बी के रेस्पेक्ट में और एक्सपोर्ट के रेस्पेक्ट में आपको क्या बना के चलना है? ई इनवॉइस बना के चलना है. कौन बनाएगा? नोटिफाइड पर्सन. हम ऑलरेडी देख चुके हैं नोटिफाइड पर्सन कौन होंगे. ये बेटा लैंग्वेज लॉ की है, एक बार से पढ़ लेना, हालांकि मैं इसे तोड़कर ब्रेक करके आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं. देखेंगे साहब एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन जो लिखी, वो ये लिखी कि एवरी इनवॉइस इशूड बाय अबव पर्सन इन मैनर अदर देन द मैनर स्पेसिफाइड इन रूल 484 शैल नॉट बी ट्रीटेड एज एन इनवॉइस, यानी उसे इनवॉइस ही नहीं माना जाएगा. अगर आपने किसी भी दूसरे तरीके से इनवॉइस बनाने का कोशिश करी, नुकसान हो जाएगा भैया जी. आप देखो मेरी बात सुनो, पहले मैं 10 इनवॉइस बनाता था और दो फाड़ देता था, 8 ही रह जाती थी. दो क्या कर देता था? फाड़ देता था. गवर्नमेंट को पता ही नहीं चलता था. गवर्नमेंट को क्या पता चल रहा है यार, मैं मेरे घर में इनवॉइस बना रहा हूं, मैं मेरी दुकान में बैठ के इनवॉइस बना रहा हूं, मैं कितनी इनवॉइस रखूं, कितनी इनवॉइस डिलीट कर दूं, किसको पता चल रहा है? लेकिन यहां ऐसा नहीं कर सकते. यहां बेटा अगर आपने 10 इनवॉइस बनाई तो 10 की 10 आपको रिपोर्ट करनी ही पड़ेंगी, क्योंकि जब तक आप रिपोर्ट नहीं करोगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 8 ही रिपोर्ट करी और 2 डिलीट करने की कोशिश करी, नुकसान ये हो जाएगा दोस्त कि ये जो 2 आप डिलीट कर दोगे ना साहब, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, ये 2 जो आप डिलीट कर दोगे मेरे मालिक, ये सामने वाला आपसे एक्सेप्ट ही नहीं करेगा. जो आपका रेसिपियंट है ना, RECIPIENT, ये रेसिपियंट अंकल गलत दबा देंगे. ये बोलेंगे साहब तूने डिलीट कर दी ठीक, लेकिन मेरे को तो चाहिए ना क्रेडिट, और मेरे को क्रेडिट तभी मिलेगा जब ये पोर्टल से आगे से आ रहा होगा. और आगे से कब आएगा? जब तू ये 2 भी पोर्टल को बताएगा. अब बात समझ में आई? तो जब तक ये 2 आप एक्स्ट्रा पोर्टल को नहीं बताओगे, आप बच नहीं पाओगे. जब तक ये 2 आप एक्स्ट्रा पोर्टल को नहीं बताओगे, आप नहीं बच पाओगे. इसलिए कान खोल के सुनना, यहां पर ई इनवॉइसिंग के प्रोविजन के अंदर अगर आपने 2 इनवॉइस को छुपाने की कोशिश करी, तो वो इनवॉइस इनवॉइस ही नहीं मानी जाएगी. तो इसलिए ई इनवॉइस बनाना जरूरी है, तभी वो इनवॉइस इनवॉइस मानी जाएगी. और ध्यान रखिएगा एक इंपॉर्टेंट बात और, कि अगर ई इनवॉइस बना रहे हो तो ट्रिप्लीकेट डुप्लीकेट की टेंशन खत्म. बस एक बार गवर्नमेंट को बता दो, बात खत्म. बस अब वो IRN के थ्रू हर इंसान उसे एक्सेस कर लेगा, तो बार बार आपको ट्रिप्लीकेट डुप्लीकेट का काम खत्म हो जाता है. देखो इधर, नोटिफाइड पर्सन कौन होंगे और किन किन के रेस्पेक्ट में करना है बता दिया था. किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 50 करोड़ को एक्सीड कर जाओगे तो बी टू बी के रेस्पेक्ट में बनाना है, बी टू सी के रेस्पेक्ट में नहीं बनाना है. स्पेसिफाइड पर्सन को लेकर मैं ऑलरेडी डेल्ट कर चुका हूं मामला. SEZ यूनिट आएगा, डेवलपर नहीं आएगा, यानी डेवलपर को तो बनाना पड़ेगा. बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कंपनीज और NBFC, GTA आ गया, ट्रांसपोर्टेशन वाले आ गए, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन वाले, और उसके अलावा आपके पास मल्टीप्लेक्स स्क्रीन वाले भी यहाँ पर आ गए. कुछ पॉइंट टू बी नोटेड इंपॉर्टेंट दे रखे हैं, अच्छे से एक बार देखिएगा, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है. अच्छा, और किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा बेटा? ISD इनवॉइस, हालांकि कोर्स में नहीं है. इंपोर्ट ऑफ सर्विस और इंपोर्ट ऑफ गुड्स, ये भी आपके कोर्स में नहीं है, बट फिर भी मैंने नॉलेज के लिए बता दिया कि इन तीन केसेस के अंदर भी आपको क्या बनाने की जरूरत नहीं है? ई इनवॉइस बनाने की जरूरत नहीं है. बोलो हाँ के ना. हाँ जी सर, बात समझ में आ जाती है. कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, ये वही टर्म्स है जो मैंने आपको अलग से समझा रखी है. ई इनवॉइस स्कीमा, यानी कि आपका INV01, IRP, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल, जिसके अंदर आपके पास में 10 पोर्टल दे रखे हैं. इनवॉइस रेफरेंस नंबर, मेरे दोस्त इनवॉइस रेफरेंस नंबर, इसके अंदर मैंने आपको बताया कि एक तो नॉर्मल आपका इनवॉइस रेफरेंस नंबर होगा जो आप बनाते थे आज से पहले, लेकिन अब गवर्नमेंट बना के देगी 64 डिजिट्स तक का ये हो सकता है. इसे एक्स्ट्रा नोट कर लीजिए आप चाहो तो, 64 डिजिट्स को. और ध्यान रखना टाइप करने में प्रॉब्लम आएगी तो QR कोड भी आपके पास में होगा. एडवांटेजेस क्या है बेटा, ये मैं रिटर्न चैप्टर के साथ समझाऊंगा. ये चीज मैं आपको रिटर्न चैप्टर के साथ समझाऊंगा. प्रोसेस आप पढ़ सकते हो, मैंने ऑलरेडी बता दिया था. अब एक जो चीज बच जाती है वो बच जाती है कैंसिलिएशन को लेकर. तो ध्यान रखना, अगर किसी भी तरीके से आपने बेटा IRN जनरेट करा और आपको पता लगता है कि साहब ये गलत इनवॉइस बन गया, ये तो गलत. देखो एक होता है डिलीट करना, एक होता है रेक्टिफाई करना, दोनों में डिफरेंस है. तो अगर आपको ऐसा लगता है गलत इनवॉइस बन गया, इसकी जगह नया इनवॉइस बनाना पड़ेगा, तो 24 आवर्स के अंदर अपनी गलती को पता कर लो साहब. गवर्नमेंट कहती है 24 घंटे के बाद गलती पता नहीं की जा सकती. 24 घंटे बहुत होते हैं आपको अपनी गलती को सुधारने के लिए. तो गवर्नमेंट ने 24 आवर्स का टाइम बेटा यहां पर आपको दिया और बोला कि 24 घंटे के अंदर अंदर अपनी गलती को सुधार लो और अपना जो आपने IRN जनरेट करा है इसे क्या कर लीजिए, कैंसिल कर लीजिए. तो 24 घंटे का टाइम है कैंसिल करने के लिए. IRN कैन बी कैंसिल्ड
विदिन 24 आवर्स, तो रिपोर्ट करने के, रिपोर्टिंग के 24 घंटे के अंदर अंदर आप अपनी IRN को क्या कर सकते हैं, कैंसिल। तो अगर एग्जाम में पूछता है कि IRN कैंसिल करने का टाइम पीरियड कितना है, 24 घंटे, लेकिन सर अगर मुझे कैंसिल नहीं करना, अमेंड करना है, तो बेटा अमेंडमेंट के लिए ई इनवॉइस पोर्टल किसी काम का नहीं है। इनवॉइस पोर्टल किसी काम का नहीं है, अमेंडमेंट तो आपका GST पोर्टल से ही हो जाएगा। और अमेंडमेंट कैसे करते हैं ये मैं आपको रिटर्न चैप्टर में बकायदा बताऊंगा भी कि इनवॉइस अमेंड कैसे होता है, इनवॉइस AMEND अमेंड कैसे होता है, यह मैं आपको बताऊंगा भी कि इनवॉइस को अमेंड कैसे करते हैं। ठीक है, रिटर्न चैप्टर में प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा पोर्टल के ऊपर कि ये काम कैसे होकर चलता है सारा का सारा। ठीक है, ओके सर। फिर ये डायनामिक QR कोड आ गया, ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया था, स्टेटिक और डायनेमिक, तो आराम से आप इसको पढ़ सकते हो, सिर्फ रीडिंग आपको करनी है। अच्छा, डायनेमिक QR कोड की रिक्वायरमेंट के लिए मैंने आपको क्या बताया था, 500 करोड़ है ना, ये देखो ये रहा, एक्सीड्स 500 करोड़। मैंने कहा था ना 500 करोड़ से ऊपर वाली कंपनीज के ऊपर ही ये एप्लीकेबल होगा, और उसमें से भी कुछ कंपनियों को बाहर निकाल दिया, और वो वही वाली कंपनीज है जिसमें पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन आ जाता है, GTA आ जाता है, इंश्योरेंस बैंकिंग कंपनी आ जाता है, मल्टीप्लेक्स स्क्रीन आ जाता है, और UIDAR वाली सर्विसेज को भी यहां पर एक्सेस करने से बाहर निकाल दिया, ये देखो ये रहा। हालांकि UIDAR क्या होता है ये डिटेल में आपके पास सिलेबस में नहीं है, सेक्शन 14 आता है IGST एक्ट का, वहां हम UIDAR को डिटेल में डिस्कस करके चलते हैं। हालांकि UIDAR मैंने आपको बताया भी था जब हमने RCM में इंटीग्रेटेड टैक्स वाली एंट्रीज पढ़ी थी, याद करो RCM में इंटीग्रेटेड टैक्स वाली एंट्रीज, याद आया? हाँ जी सर याद आ गया। दो एंट्रीज थी, एक तो वैसल के थ्रू जो आप इंपोर्ट कर रहे थे, याद करो वैसल के थ्रू गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विस बाहर से इंडिया में लेकर आ रहे थे, और दूसरा आपका ये था UIDAR नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट, NTOR पढ़ा था अपन ने, नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट, याद आया? हाँ याद आ गया सर। तो वो कहानी भी यहाँ पर थी। इसी के साथ आप सभी को बताना चाहूंगा कि ये चैप्टर ही आपका बेटा खत्म हो जाता है, इसी के साथ ये चैप्टर ही आपका लगभग लगभग खत्म हो ही गया, मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ पर मैंने कोई टॉपिक आपके पास छोड़ा होगा, ऑलमोस्ट।